हेलो एवरीवन वेलकम बैक कैसे आप लोग स्वागत तो तो है जो चैप्टर फिनिश किया कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वालिटिक इक्वेशन रिविजन लेक्चर मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए बनाया था उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि शायद अपन लीनियर इनक्वा स्टार्ट करेंगे लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं हाफ ईयरली एग्जाम्स के सिलेबस में भी आपके यहां पर आ रहा होगा और जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं या बहुत उधर पे भी इसके कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल होते हैं तो बच्चों इसलिए इस चैप्टर का आज मैं लेकर के आया हूं लेक्चर नंबर वन जिसमें आज हम परमिटेशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे चैप्टर की वो है काउंटिंग प्रिंसिपल तो काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में यहां पर बच्चों पर पढ़ने वाले तो चलिए पूरे लेक्चर को एंड तक देखना यहां पर आपके मन में जितने भी डाउट्स आएंगे हर डाउट्स का मैंने आंसर लेकर के रखा हुआ हूं कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है सब चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी तो आप पूरे वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर आप किसी चीज में मिस कर रहे हैं तो उतने पार्ट को वापस से रिवाइंड करके देख लेना आपके कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगे पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद यह चैप्टर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों चलिए सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर पाए नेक्स्ट में बच्चों इस लेक्चर वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ेंगे और मैं मतलब आपको समझा दूंगा कि वॉट इज मीन बाई परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन फिर हम क्वेश्चन में ये देखते चलेंगे और आपसे खुद भी हम ये डिस्कस करते चलेंगे कि कहां परमिटेशन है कहां परमिटेशन की बात की जा रही है कहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है और उसके बाद बच्चों फैक्टोरियल नोटेशन ठीक है तो ये तीन टॉपिक हैं जिनको हम इस वीडियो में अपना कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये होता क्या है इसको समझना जरूरी है देखिए सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास सपोज करो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है थीके? अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स को में से कुछ ऑब्जेक्ट या सभी ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऑफ सिलेक्शन एन ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है सपोज करो कोई आर ऑब्जेक्ट है उन्हें हमें सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन जो होता है उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन अगर उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम उनको एक रो में रख करके या एक कॉलम में रख करके उनको अरेंज कर रहे हैं कि कौन पहले होगा कौन सेकंड नंबर पर होगा कौन थर्ड पोजीशन पे होगा उनको हम अरेशन विद डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन एक्चुअल में यहां पर हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि कितने डिफरेंट वे से आप एन में से कोई आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर उन और, और आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप कितने डिफरेंट वे से उनको अरेंज कर सकते हैं तो परमिटेशन इज आल्सो कॉल्ड अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मींस नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कि एन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट को कितने डिफरेंट वे से सिलेक्ट कर सकते दैट इज कॉल्ड आपका कॉम्बिनेशन और उनका उन सिलेक्शन से बनने वाले हर एक अरेंजमेंट को बेसिकली हम आपका परम्यूटेशन बोलते हैं आगे पर जब हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये सारी की सारी चीजें ये डेफिनेशन हर एक क्वेश्चन में में आपको धीरे 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 समझ में आती चली जाएगी तो सिर्फ डेफिनेशन पे नहीं जाना है अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज को एडॉप्ट करेंगे और आपको फील आ जाएगी और आप समझ जाओगे कहां, कहां परमिटेशन अप्लाई हो रहा है कहां पर कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहा है ठीक है चलिए जी से बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक चीज यहां पर आप फिगर देख पा रहे हैं ठीक है यहां पर अपन ने फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई फाइव अल्फाबेट को सिलेक्ट कर लिया ठीक है अब इन फाइव अल्फाबेट को आप देख पा रहे हैं कि टोटल अगर मैं इंग्लिश उस अल्फाबेट की बात करूं तो 26 में से फाइव ए बी सी डी ई को अपन ने सिलेक्ट किया ओके अब इन ए बी सी डी को मैं अलग अलग पोजीशन पे अरेंज कर रहा हूं तो पहले सिलेक्शन ये क्या हुआ एक कॉम्बिनेशन बना उसके बाद हम यहां पर क्या कर पा रहे हैं उनको अलग अलग ऑर्डर में अरेंज कर पा रहे हैं तो एवरी अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमिटेशन तो यहां पर आप इस पिक्चर के थ्रू तो इस चीज को ईजिली समझ पा रहे होंगे ठीक है आइए आगे पर बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज कि भाई ये जो डिफरेंट नंबर ऑफ वेस्ट की हम बात कर रहे हैं ठीक है ये क्या होता है है ना फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आपको सिंपल से बात बताया था कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव फाइव डिफरेंट कार्ड्स ठीक है uh, सबके घरों में प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना सपोज यू हैव फाइव डिफरेंट कार्ड्स अब मैं बोल रहा हूँ कि उन फाइव डिफरेंट कार्ड्स को आपके सामने पर फाइव पीपल बैठे हुए हैं पांच लोग बैठे हुए हैं उनको आपको वो फाइव कार्ड्स देने हैं ठीक है अब उन वो फाइव कार्ड्स उन पांच लोगों को आप कैसे कैसे दे सकते हो है ना हो सकता है कि आपने वो फाइव कार्ड्स एक ही बंदे को दे दिए हो सकता है कि उस पर कोई कंडीशन हो कि हर एक को आपको कम से कम एक कार्ड तो देना ही देना है तो फिर क्या क्या बन सकता है अगर सबको एक एक कार्ड देना है तो अब उन पांच लोगों में वो पांच कार्ड कैसे 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 आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें ये नहीं बताता कि भाई किसको क्या दिया किसको कौन सा कार्ड शेयर की नहीं ये हमको बताता है टोटल नंबर ऑफ वेज कि भाई ये काम जो इसकी मैं बात कर रहा हूं इसको हम कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज में कर सकते हैं ठीक है तो इसी पर हम यहां पर बात करने वाले हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यहां पर हम दो रूल के बारे में बात करते हैं फर्स्ट रूल है आपके पास मल्टीप्लीकेशन रूल सेकेंड रूल है जो आपके पास वो है एडिशन रूल ठीक है इन दोनों को हम अलग अलग सेपरेट समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कब मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई होता है और कब एडिशन रूल ठीक है भाई परमिटेशन काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन काउंट करना है उसमें क्या अप्लाई होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई होगी

सपोज करते हैं बच्चों इसका नाम है चिंटू ठीक है ये चिंटू और चिंटू का आया है बर्थडे ओके चिंटू का है बर्थडे और चिंटू की मम्मी ने ना क्या किया है चिंटू के लिए बढ़िया से ये फोर डिफरेंट कलर के पैंट लेकर के आई है बर्थडे में होता है ना कि भाई एकदम अलग अलग कलर के पैंट पहनेंगे और ये टू डिफरेंट कलर की टी शर्ट लेकर के आ गई मम्मी ने नए नए कपड़े चिंटू को डला दिए है ना हम सभी ने बचपन में तो ये सब किया ही है, है ना तो अब क्या है बात कि अब चिंटू को बर्थडे पार्टी के लिए अपने तैयार होना है और तैयार कब होगा जब वो पैंट और शर्ट पहनेगा अब आप सिंपल से सोच के बताओ कि कितने मैं आपसे बोलूं कि चिंटू ना अपनी पार्टी के लिए कितने डिफरेंट वे से रेडी हो सकता है कितने डिफरेंट वे से तैयार हो सकता है तो टोटल तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज वो हमें काउंट करने हैं तो एक बार को हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या है सपोज करो इसके पास फाइव फोर पैंट्स हैं और टू टी शर्ट है अगर चिंटू ने इस पैंट को सिलेक्ट किया है लेट सपोज अगर वो ये पैंट पहनता है तो उसके पास टी शर्ट की क्या क्या चॉइसेस है पैंट के साथ में या तो वो ब्लैक टी शर्ट पहन लेगा या तो वो व्हाइट टी शर्ट उसके बाद हो सकता है कि उसने पैंट दूसरा सिलेक्ट किया होता तो भी उसके पास ये दो टी शर्ट की चॉइसेस है फिर इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट पैंट के साथ में ये डिफरेंट डिफरेंट टी शर्ट्स की उसके पास चॉइसेस बन जाएंगी ठीक है तो मतलब कि ये अगर आप हर इस पेयर को देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये टोटल एट डिफरेंट वेज हैं जिनसे वो रेडी होकर के पार्टी में जा सकता है वो बात अलग है कि वो कौन सी ड्रेस पहन करके पार्टी में गया वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो क्या पहन करके गया मतलब कि इनमें से क्या पहन के गया लेकिन पॉसिबिलिटीज है ना तो एक्चुअल में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें क्या काउंट करना सिखाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ठीक है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगी किसी पर्टिकुलर इवेंट की तो एक्चुअल में इवेंट यहां पर क्या है चिंटू का पार्टी के लिए तैयार होना तो कितने कितने तरीके से कितने पॉसिबल मैनर है वो रेडी हो सकता है नए कपड़ों के साथ में तो एट पॉसिबल मैनर है तो यहां पर अपन ने क्या देखा कि चिंटू के पास में कितने पैंट थे भाई चिंटू के पास में आपने देखा फोर डिफरेंट पैंट थे ठीक है अब हर एक पैंट के रिस्पेक्ट में वो दो तरीके की टी शर्ट पहन सकता है तो इस तरीके से क्या बना हर एक इवेंट के अकरेंस में उस इवेंट के साथ में दो दूसरे इवेंट की भी दो हो रही थी यानी कि दो टी शर्ट है तो फोर तो भी, भी है, तो है। तो तो इंटू हैं रूल्टीप्लीकेशन रूल तो कब अप्लाई होता है इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि सपोज ई e, कोई एक e है मान लो पहला इवेंट था उसके पैंट को पहनना तो पैंट को पहनने के कितने डिफरेंट तरीके थे डिफरेंट नंबर ऑफ वेस्ट थे देर इज फोर डिफरेंट पैंट तो उनमें से कोई भी चार वो पैंट चार में से कोई भी एक पैंट वो पहन सकता था ठीक है दूसरा इवेंट था टी शर्ट को पहनना ठीक है अब टी शर्ट को पहनने के टू डिफरेंट वे थे उसके पास आइदर ही कैन वियर वाइट टी शर्ट और ब्लैक टी शर्ट तो इस तरीके से अब अगर पूछा जा रहा है कि इफ एम डिफरेंट वे एंड एसोसिएटिव ईच वे ऑफ अकरिंग ई दोनों इवेंट के एक साथ होने की पूरा काम कंप्लीट होने की डिफरेंट नंबर ऑफ वेज क्या होंगे एम ए इन टू में एन आएगा तो मल्टीप्लीकेशन रूल बच्चों कब अप्लाई करते हैं जब एक इवेंट ई e है दूसरा इवेंट एफ है ई कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज इवेंट एफ कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज ओके नाउ अगर हम चाहते हैं कि इवेंट ई e और एफ दोनों हो जाए एक साथ ये दोनों इवेंट एक साथ हो तो उसकी अकरेंस क्या होगी तो दोनों इवेंट के एक साथ अकर होने की जो अकरेंस है वो क्या हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन एम इंटू एन के बराबर हो जाएगी ठीक है तो ध्यान से समझ समझना जब हम ये बात कर रहे हैं कि दो इवेंट है एक डिफरेंट इतने वे में दूसरा एन डिफरेंट वेज में तो दोनों को एक साथ क्या हो जाएगा प्रोडक्ट एम इंटू एन के बराबर अब यहां पर इवेंट दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं है ना तो ये आपके जितने भी इवेंट होंगे उतने, उतने 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 उनका मल्टीप्लीकेशन यहां पर आपका हो जाता है तो ये क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन रोड एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में बात करेंगे और समझेंगे कि यहां पर क्या अप्लाई हो रहा है हमने परमिटेशन को समझा कि ऑब्जेक्ट को करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज करना इज कॉल्ड ईच एंड एवरी अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज जस्ट अ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हर एक सिलेक्शन एक कॉम्बिनेशन है आपका ठीक है तो चलिए क्वेश्चन है इन अ क्लास देर आर ट्वेंटी सेवन बॉयज एंड फोर्टीन गर्ल्स एक क्लास में ट्वेंटी सेवन बॉयज है और कितनी गर्ल्स है बच्चों फोर्टीन गर्ल्स है द टीचर वॉन्ट्स टू सिलेक्ट वन बॉय टीचर एक बॉय को सिलेक्ट करना चाहता है एंड वन गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास फॉर अ फंक्शन इन हाउ मैनी वेज कैन द टीचर मेक्स दिलेक्शन पहली बात क्वेश्चन में आपको हर जगह पर सिलेक्शन 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 लिख रहा है मतलब कि एक्चुअल में यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं ये जो है बेसिकली सिलेक्शन मतलब कि पर कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है कि भाई 27 बॉयज और 14 गर्ल्स में से हमें दो स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है ठीक है दो स्टूडेंट को उनमें से एक बॉय होगा तो एक गर्ल होगी अब आप मुझे बताइए कि दो लोगों के सिलेक्शन में यह थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने रुचि को सिलेक्ट किया और

पहले रुचि का करना था फिर तरुण का करना था ऐसी कोई बात ही नहीं की गई चलो तो भाई आ, टोटल ट्वेंटी करना है हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू अ बॉय है ना आपके पास टोटल कितनी चॉइस है एक बॉय को सिलेक्ट करने की जल्दी से बताओ आंसर इज ट्वेंटी सेवन मतलब कि आपके पास एक बॉय को सिलेक्ट करने के ट्वेंटी सेवन चांसेस हैं ओके okay, एक बॉय का सिलेक्शन कर लिया एंड मॉनिटर तब बनेंगे ना जब दो का सिलेक्शन करना है अब एक गर्ल का भी तो करना है तो सिक्स फोर्टीन गर्ल्स में से एक गर्ल का भी सिलेक्शन करना है तो कितनी डिफरेंट चॉइस आपके पास एक गर्ल का सिलेक्शन करने के लिए यू 14 गर्ल्स उनमें से कोई एक लेना है यू उनको करना क्या है उनको बनाना है भाई आपका ताकि क्लास फंक्शन यानी जो क्लास में फंक्शन होने वाला है तो दोनों का सिलेक्शन करना है ना दोनों का तो इसका सिलेक्शन के वेज 27 गर्ल्स के सिलेक्शन के वेज 14 और ये पूरा सिलेक्शन कंप्लीट करने के लिए कितने आ, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होंगे दैट इज 27 14. ठीक है तो ये क्या आपका अप्लाई हो गया बच्चों मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई हो गया ठीक है क्या अप्लाई हो गया यहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई हो गया ओके अब मान लो ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि दो लोगों का सिलेक्शन करना है और उन दोनों को एक लाइन में जाकर के खड़े हो जाना है ठीक है दो लोगों को सिलेक्शन करना है चलो भाई पूरी क्लास से 27 बच्चों में से लड़कों में से एक लड़का बाहर आएगा और 14 गर्ल्स में से एक लड़की बाहर आ जाओ है ना एक को सिलेक्ट करके बुला लिया अब तुम दोनों जाकर के एक लाइन में खड़े हो जाओ जैसे यह बात आई कि तुम दोनों जाकर के एक लाइन में खड़े हो जाओ तो क्या हुआ लाइन में खड़े होंगे तो वहां पर इंपॉर्टेंट है कि लाइन में पहले कौन खड़ा होगा उसके पीछे कौन होगा तो उस कंडीशन में अरेंजमेंट आ जाता है ठीक है उस केस में अरेंजमेंट आ जाता है तब तो हम यह भी काउंट करते हैं कि या तो हो सकता है कि लड़की आगे खड़ा होगा लड़का बाद में या लड़का पहले खड़ा होगा या लड़की बाद में देन दिस इज कॉल्ड एन अरेंजमेंट ओके तो वो जब बात करेंगे तो हम वहां पर अरेंजमेंट काउंट करेंगे ठीक है तो ये समझ में आ गया ट्वेंटी सेवन इंटू फोर्टीन ये क्लियर है कोई डाउट यहां पर सिंपल आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में यहां पर आप ये नोट कर सकते हैं कि अगर आपके पास अभी जैसे दो इवेंट की बात करी दो से ज्यादा इवेंट है और वो उन सभी इवेंट का एक साथ अकरेंस की बात करी जा रही है तो कितने डिफरेंट वे में वो तीनों के तीनों इवेंट या चारों के चारों इवेंट एक साथ अकर कर सकते हैं दैट इज एम इंटू एन इंटू पी इवेंट ए है जो एम डिफरेंट वे में इवेंट बी है जो एन डिफरेंट वे में और इवेंट सी है जो पी डिफरेंट वे में अकर कर सकता है तो तीनों इवेंट ए बी सी के एक साथ अक्रेंस के टोटल डिफरेंट वेज क्या हो जाएंगे एम इंटू एन इंटू में पी के बराबर होगा इज इट क्लियर आ रही बात समझ में जब भी एंड आ रहा है मतलब कि ये भी ये भी ये भी ठीक है तो हमारे पास ये चीज हो जाएगी एक और एग्जांपल से हम ऐसे भी समझ सकते हैं लेट सपोज एक सिटी ए है एक सिटी आपके पास बी है और एक सिटी आपके पास सी है है ना आपको सिटी ए से सिटी सी तक जाना है वाया सिटी बी है ना मतलब कि ए से बी पर बी से सी पर ये तीनों काम आपको करने हैं, ठीक है? थीके? आपका टास्क क्या है सिटी ए से लेकर के सी तक जाना अगर मैं बोल रहा हूं कि सिटी ए पर जाने बी ए से बी पर जाने के टू डिफरेंट वेज है और सिटी बी से सी पर जाने के थ्री डिफरेंट वेज है तो आप ये बताइए कि एक इंसान या एक पर्सन सिटी ए से सिटी सी कितने डिफरेंट वे में जा सकता है तो आपका आंसर क्या होगा सिंपल कि भाई ए से बी पर जाने पे उसके पास कितने डिफरेंट आ, वो है टू डिफरेंट वे एंड उसको बी से सी भी जाना है तो कितने डिफरेंट वे से जा सकता है तीन तो टोटल कितने ऐसे कॉम्बिने कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कि वो ए से सी तक पहुंच जाए आर इंटू थ्री सिक्स ऐसे सिक्स कॉम्बिनेशन हमारे बन जाएंगे जिससे वो सिटी ए से सी तक पहुंच जाएगा क्लियर है तो ऐसे भी हम इस चीज को समझ सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स अब समझिएगा यहां पर ध्यान से फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज जो कि रोज वर्ड से फॉर्म किए जा सकते हैं वेयर द रिपिटिशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउ जहां पर लेटर्स का रिपिटिशन अलाउ नहीं है ठीक है आपके पास फोर डिफरेंट मतलब कि एक वर्ड है रोज ठीक है ये एक वर्ड आपको दे रखा है आपसे बोला है कि इस रोज वर्ड में जो लेटर्स हैं, यानी कि लेटर्स कौन कौन से आर है ओ है एस और ई है इनका इस्तेमाल करके हमें ये बताना है कि कितने डिफरेंट हम वर्ड्स बना सकते हैं कितने डिफरेंट हम वर्ड बना सकते हैं और क्या बोलना है कि जरूरी नहीं है कि उन वर्ड की कोई मीनिंग हो या मीनिंग ना भी हो ठीक है और लिखा है कि रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब यह है कि एक अल्फाबेट आपने एक बार ले लिया है ना तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करना कि आर 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 अपन ने ले लिया तो भाई तीन बार आर नहीं लेना है सकते ना एक बार में एक ही तो चलिए अब आप ध्यान से समझ सकते हैं कि यहां पर हमें वर्ड बनाने इनका इस्तेमाल करके तो क्या आप मुझे सोच के बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम परमिटेशन की है या कॉम्बिनेशन की है जल्दी से सोच के बताइए ये प्रॉब्लम आपका परमिटेशन की है या कॉम्बिनेशन की है सोचो जल्दी से तो आपके मन में क्या आएगा कि भाई आर ओ एस ई है तो हमारे पास यही चार वर्ड है ना चार लेटर अब मैं चाहो तो ओ आर एस ई बना लूं चाहे ई आर ओ एस बना लू चाहे एस ओ आर ई बना लू तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इन चार वर्ड से अलग 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 कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड बन सकते हैं वो फाइंड करना है तो एक्चुअल में यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है कि अगर ओ को पहले रखा आर को बाद में इसको तो एक अलग अरेंजमेंट है E को पहले रखा आर को बाद में रखा वो को ये एक अलग अरेंजमेंट है. तो है, है? है. है, की की है तो क्वेश्चन किसका हुआ ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन हुआ कि परमिटेशन का क्वेश्चन हुआ परमिटेशन को अलग से डिफाइन भी करूंगा उसके फॉर्मुले भी बताऊंगा लेकिन समझते रहा है कि कोई प्रॉब्लम परमिटेशन की है या कॉम्बिनेशन की है काउंटिंग प्रिंसिपल तो सिर्फ हमें यही सिखाएगा नंबर ऑफ परमिटेशन काउंट करना और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन काउंट करना तो चलिए सॉरी आर ओ एस ई चार वर्ड है अब हमें इन चार वर्ड नहीं सॉरी चार लेटर्स हैं हमें इन चार लेटर्स का इस्तेमाल करके बोलने हैं कि कितने डिफरेंट डिफरेंट कितने पॉसिबल वर्ड बनाए जा सकते हैं जब रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो ऑल पॉसिबिलिटीज पर बात की जा रही है तो समझना अगर मैं आपसे यह बोलूं कि चाहे मैं लेफ्ट से राइट right पर चलू या राइट right से लेफ्ट सॉरी राइट से लेफ्ट पर चलू या लेफ्ट से राइट right? कोई फर्क नहीं पड़ता सबसे पहला प्लेस है हमारे पास अब यहां पर इस प्लेस को फिल करना के लिए मेरे पास कितने लेटर्स अवेलेबल हैं अभी चार है आर ओ एस -E. इनमें से कोई भी एक लेटर मैं इस प्लेस पर फिल कर सकता हूं वर्ड तभी बनेगा ना मैं चार लेटर का इस्तेमाल करूंगा तो वर्ड बन जाएगा तो कोई भी चार का इस्तेमाल मैं इस प्लेस को फिल करने के लिए कर सकता हूँ कोई कंडीशन नहीं है चलिए तो इस प्लेस को फिल करने के चार डिफरेंट वे हैं यहां पर आर भी आ सकता है ओ भी आ सकता है एस भी आ सकता है ई भी आ सकता है फोर पॉसिबिलिटीज थी इस प्लेस को फिल करने की लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ काम कब कंप्लीट होगा यानी कि वर्ड कब बनेगा जब दूसरा तीसरा चौथा हर प्लेस की पर मैं एक एक वर्ड आ जाएगा काम तो तब कंप्लीट होगा तो अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ अब सेकेंड प्लेस को फिल करने के कितने पॉसिबिल सोचना रिपीटेशन अलाउड नहीं है सपोज करो यहां पर तुमने एक लेटर भर दिया था फॉर एग्जाम्पल लो यहां पर आर तुमने रख दिया था तो अभी भी तो तीन बचे ना अब इस प्लेस को फिल करने के कितने पॉसिबल वे आएंगी थ्री आएंगी इस प्लेस को फिल करने के किसने पॉसिबल वे आएंगे टू वे ठीक है क्योंकि चार में से दो का इस्तेमाल तुमने कर लिया रिपिटिशन अलाउ नहीं है तो इस प्लेस के लिए दो चॉइसेस बची हैं कोई भी दो में से एक यहां पर आ सकता है तो पॉसिबिलिटीज यहां पर टू बची इस प्लेस के आखिरी प्लेस के लिए आखिरी लेटर बचा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रही होगी वन तो भाई काम कंप्लीट हुआ जब मैंने पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको यानी कि चारों प्लेसेस को फिल किया तो पहले फेल को फिल करने के फोर वेज दूसरे प्लेस को फिल करने के थ्री वेज तीसरे प्लेस को फिल करने के टू वेज एंड फोर्थ प्लेस को फिल करने के वन वेज तो पूरी इस इवेंट का पूरा ये जो पूरा इवेंट है जिसमें चारों प्लेस को फिल किया इसकी अक्रेंस कितने डिफरेंट पॉसिबल वे में हो पाएगी यानी कि पूरा काम करने का तो आ जाएगा फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन यानी कि आपके पास ट्वेंटी फोर के बराबर ठीक है तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया जब रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड जब रिपीटन अलाउ नहीं था यानी कि हम आर ओ एस ई फोर लेटर्स का इस्तेमाल करके टोटल ट्वेंटी फोर वर्ड बना सकते हैं जो मीनिंगफुल या मीनिंगलेस हो सकते हैं अब कोई बच्चा पूछ ले यहां पर कि सर अगर मीनिंगफुल बनाना है तो बेटा मीनिंगफुल बनाने के लिए ना हमें सो ये भी पता होना चाहिए कि किसकी मीनिंग है किसकी मीनिंग नहीं है ठीक है तो अब ओ आर एस ई की कोई मीनिंग नहीं है भी तो पता होना चाहिए है ना तो फिर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कि डिक्शनरी में जो होती है उसमें कौन कौन से वर्ड अवेलेबल हैं उनको भर हम बोलेंगे तो वो इसलिए हम मीनिंग लेस पर ही बात करेंगे है ना कि जैसे भी हो कोई ज़रूरत नहीं है without मीनिंग कोई फर्क नहीं पड़ता अगला इसी में क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है बस है, बस पर पर है, है है है, क्या बच्चों, क्वेश्चन जो वो आपका है. Okay? अब repetition है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि लेटर फोर है आर ओ एस अब अब भी तुम्हें क्या करना है बच्चों इन फोर प्लेसेस को फिल करना है, कि एक बनाना है। लेकिन रिपीटिशन अलाउ है तो इस प्लेस को पहले फिल करने की कितने पॉसिबल वेज हैं हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव इस प्लेस को फिल करने के लिए इन चार में से कोई भी लेटर तुम यहां पर ला करके रख सकते हो यू हैव फोर पॉसिबिलिटीज यानी कि इस प्लेस को भरने के कितने डिफरेंट वे फोर सेकेंड प्लेस को भरना है आप ठीक है चलिए तो सेकेंड प्लेस को फिल करने के हाउ मेनी वेज यू हैव सिंपल अगर रिपीटेशन अलाउ है तो हो सकता है यहां पर तुमने आर फिल किया था फिर से आर फिल कर दो मतलब रिपीटेशन अलाउ है यानी कि इस केस में भी तुम्हारे पास चॉइस अवेलेबल है तीसरे प्लेस को फिल करने की भी तुम्हारे पास चॉइस अवेलेबल है और चौथे प्लेस को फिल करने की भी तुम्हारे पास फोर चॉइस अवेलेबल है है ना चार में से कोई भी लेटर तुम यहां पर ले सकते हो तो कितने टोटल पॉसिबिलिटीज क्या आएंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज के यहां पर क्या मतलब है इस पूरे इवेंट के अक्रेंस कितने डिफरेंट वेज में हो सकता है पूरा इवेंट का occurrence, तो answer हो जाएगा जाएगा बच्चों में में कि कि हमारा आ इस लेटर अलाउ था Letters का repetition allowed था आई बात समझ में तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम किससे कनेक्टेड थी परमिटेशन से कनेक्टेड थी क्योंकि यहां पर हम हर उस अरेंजमेंट की भी बात कर रहे थे है ना तो काउंटिंग प्रिंसिपल हमें हेल्प करेगा परमिटेशन और कॉम्बिनेशन काउंट करने में लेकिन हम ये भी देखेंगे कि प्रॉब्लम किसकी है यहां पर अरेंजमेंट की बात हो रही है परमिटेशन नहीं है ठीक है चलिए आगे पर हम इसके रूल्स भी देखेंगे चलिए अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स विद वेन अगर आप एनसीआरटी पढ़ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आपकी जो एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन है और जो एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू है और बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपके एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री के यहां पर हम कवर कर देंगे तो ध्यान से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं की तो एनसीआर बुक उठा करके आप सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट थ्री से अपने इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ठीक है तो उसी के पूरे कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में तुम्हें मिल जाएंगे आ जाओ क्वेश्चन है कि थ्री डिजिट इवन नंबर आपको बनाना है तीन डिजिट का एक इवन नंबर किन का इस्तेमाल करके इन फोर नंबर सॉरी इन नंबर का इस्तेमाल करके टोटल सिक्स है इस्तेमाल करके आपको एक थ्री डिजिट का नंबर बनाना है थ्री डिजिट का नंबर ठीक है यू हैव थ्री वेकेंट प्लेसेस है ना और और क्या होगा इवन नंबर बनाना है क्या बनाना है बच्चों इवन नंबर इवन नंबर क्या होता है इवन नंबर वो जिसके यूनिट प्लेस पर जीरो हो टू हो फोर हो सिक्स हो एट हो

प्लेस से फिल करना स्टार्ट करना चाहिए हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा इवन प्लेस का मतलब है कि ये जो प्लेस है आपके पास है ना थोड़ा सा मैं इस बॉक्स को बड़ा बनाऊंगा ताकि आप यहां पर इसको कनेक्ट भी कर पाएं ठीक है चलो समझना है यहां पर ठीक है ये जो प्लेस है इस प्लेस पर 2 या फिर 4 या फिर 6 इनमें से कोई भी एक नंबर तुम इस प्लेस पर रख सकते हो यानी कि इस प्लेस को यूनिट प्लेस को तुम तीन अलग अलग तरीकों से फिल कर सकते हो है ना अगर तुम टू भी रखोगे यहां पर और थ्री डिजिट नंबर बनाओगे तो वो भी भी इवन होगा फोर भी रखोगे तब भी थ्री डिजिट नंबर भी इवन होगा यानी कि इस प्लेस को फिल करने के कितने डिफरेंट वेज हैं तो इस प्लेस को फिल करने के लिए वी हैव थ्री डिफरेंट वेज ओके अच्छा रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो अब सोचना इनमें से फोर और सिक्स में से कोई एक नंबर होगा जो तुमने यहां पर इस्तेमाल किया होगा ओके okay, पक्का दिमाग में लगा ना कि कोई एक इस्तेमाल कर चुके हैं अब तुम्हारे पास कितने पॉसिबल नंबर बचे six में से एक इस्तेमाल तुम यहां पर कर चुके हो तो अब तुम्हारे पास फाइव डिफरेंट बचे पांच में से कोई भी नंबर तुम यहां पर भर सकते हो ओके okay, अब अगर तुमने यहां पर एक नंबर भर दिया तो अब कितने तुम्हारे पास चॉइस बची छह में से एक इस प्लेस पर भर दिया होगा एक इस प्लेस पर भर दिया होगा दो इस्तेमाल कर लिए अभी भी चार बचे हैं अब इस प्लेस पर तुम उन चार में से कोई भी एक नंबर भर सकते हो ठीक है One, two, three, four, five, six में से कोई भी एक नंबर नंबर भर सकते हो हो तो टोटल तो तो ऑफ वेज क्या हो जाएंगे बच्चों अगर हम देखें इस पूरे काम को करने के तो फोर इंटू फाइव इंटू में थ्री यानी कि आपके पास सिक्सटी आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों सिक्सटी आ जाएगा पहले का जब रिपीटिशन अलाउ नहीं था दूसरे पर बच्चों बात करते हैं कंडीशन फिर से वही रहेगी पहला दूसरा तीसरा इवन नंबर की बात कर रहा है तो डेफिनेटली इस प्लेस पर या तो टू आएगा या तो फोर आएगा तो सिक्स आएगा इस प्लेस को फिल करने के हमारे पास टोटल थ्री डिफरेंट वे अभी भी है ठीक है तीन से ज्यादा वे नहीं है या तो टू रखोगे फोर रखोगे सिक्स इसके अलावा कुछ रखोगे तो ईवन नहीं बनेगा लेकिन अब डिजिट कैन भी रिपीटेड तो अब तुमने जहां पर ये कोई नंबर रखा हो कोई रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता वो तुम यहां रिपीट भी कर सकते हो यानी कि इस प्लेस को फिल करने की इस प्लेस पर उन कोई भी एक नंबर तुम, तुम फिल कर सकते हो तो टोटल तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए सिक्स इंटू सिक्स इंटू में थ्री यानी कि थर्टी सिक्स इंटू में आपके पास थ्री आ गया तो 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 निकल के आ आ आ गया। गया, गया। यानी कि कि जब 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 आपका allow था, 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 आई आई। बात समझ में नहीं नहीं है? और तो हम दोनों ही तरीके में देखेंगे मैंने आपके क्वेश्चन जो एनसीआर हैं, उनको इसीलिए थोड़ा सा चेंज भी किया है कि दोनों ही केस में अपन बात करते चले ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा चेंज ओपन ने कर दिया इसमें एक हीरो की एंट्री हो गई है और हमें को है कि मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम में जीरो इज द हीरो है है ना जीरो क्या है? सबसे बड़ा हीरो है ये है ये हमारा हीरो अब होती है हीरो की एंट्री कुछ लोग इसको विलेन भी बोल सकते हैं डिपेंड करेगा कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना इसने पार्ट को तो अगर समझ में आ गया तो आपके लिए हीरो है नहीं समझ में आया तो आप उसको विलन भी बोल सकते हो फिर ठीक है अब क्वेश्चन है हाउ मैनी थ्री डिजिट इवन नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द डिजिट दीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके यानी कि टोटल आपके पास कितने डिजिट्स डिजिट्स सेवन डिजिट किन इनका इस्तेमाल करके आपको थ्री डिजिट नंबर बनाने हैं तो कितने थ्री डिजिट नंबर तुम बना सकते हो है ना ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया अब यहां पर कंडीशन ये बनती है सबसे पहले पहले के अकॉर्डिंग द डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड डिजिट आपकी रिपीट नहीं कर सकती तो सबसे पहली बात यहां पर इसको ऐसे समझेंगे कि अब आपको एक बात तो मालूम है इवन नंबर बनने के लिए ध्यान से समझना बहुत डीपली कांसेप्ट को कि इवन नंबर के लिए पहले जहां पर 2 4 और 6 से इवन बन जाता था अब पॉसिबिलिटी है कि यहां पर 0 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं अगर 0 यूनिट प्लेस पर है तब तो हम यहां पर बाकी के समझ रहा अगर 0 है ना कंडीशन वन केस नंबर वन बना रहा हूं इफ जीरो इज एट यूनिट प्लेस अगर जीरो यूनिट प्लेस पर है सोचना इस बात को कि अगर जीरो यूनिट प्लेस पर है वन टू थ्री जीरो को मैंने फिक्स कर दिया केस नंबर वन बनाया इफ जीरो इज एट यूनिट प्लेस अगर जीरो यूनिट प्लेस पर बैठा है तो हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया इस प्लेस को फिल कर दिया कोई चॉइस नहीं रखी यहां पर जीरो रख दिया अब इस प्लेस को फिल करने के कितने डिफरेंट वे हैं हमारे पास अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो भाई जीरो को छोड़ करके छह में से कोई भी नंबर आप रख सकते हो देर आर सिक्स डिफरेंट पॉसिबल वे जीरो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है एक इस प्लेस पर भर के इस्तेमाल कर लिया अब कितने बचे सेवन में से पांच बचे ठीक है तो यहां पर हम पांच आपका कोई भी फाइव नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं जीरो ऑलरेडी फिक्स कर दिया है ठीक है इधर पे तो जीरो और कहीं नहीं आ रहा ठीक है तो टोटल यहां पर वेस कितने बने जब जीरो यूनिट प्लेस पर है तो फाइव इंटू सिक्स पूरे टास्क को कंप्लीट करने के टोटल पॉसिबल सिक्स, यानी कि आपका थर्टी आ गया क्लियर है लेकिन अगर मैं केस नंबर टू की बात करता हूं इफ जीरो इज नॉट एट यूनिट प्लेस अगर जीरो यूनिट प्लेस पर नहीं है तो क्या होगा समझना ध्यान से यहां पर अगर जीरो यूनिट प्लेस पर नहीं है यूनिट प्लेस पर जीरो के ना होने का मतलब है कि यूनिट प्लेस पर या तो टू होगा या तो फोर होगा या तो सिक्स होगा तो यूनिट प्लेस पर तीन पॉसिबिलिटीज है अगर जीरो नहीं है तो पॉसिबिलिटी कितनी बची तीन पॉसिबिलिटी बची हमारे पास थ्री लेकिन आपको मालूम है कोई भी नंबर थ्री डिजिट नंबर बोला जाता है तो हंड्रेड प्लेस पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना आप कहीं ये थोड़ी बोलोगे जीरो वन टू है ना आप ये बोल ही नहीं सकते कि जीरो वन टू एक थ्री डिजिट नंबर है जीरो वन टू को आप टू डिजिट नंबर काउंट करोगे थ्री डिजिट काउंट नहीं करोगे इसका मतलब है कि इस प्लेस पर जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता नहीं आ सकता ना बढ़िया तो अब सोचो जीरो इस प्लेस पर आ नहीं सकता जीरो आ नहीं सकता और टू फोर और सिक्स में से एक नंबर तुमने यूनिट प्लेस को भरने में इस्तेमाल कर लिया यानी कि दो नंबर का इस्तेमाल तुम ऑलरेडी समझ ना जीरो यहां पर आ नहीं सकता और एक नंबर का इस्तेमाल तुम यहां पर कर चुके हो तो, तो टोटल जीरो को हटा दो छह नंबर है छह में से एक और इस्तेमाल कर लिया टू फोर सिक्स के प्लेस पर बच्चे फाइव तो हमारे पास इस प्लेस को भरने के फाइव डिफरेंट वे हो गए ओके चलिए लेकिन अब बीच वाले प्लेस पर जीरो आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो बीच वाले प्लेस पर जीरो आ सकता है ठीक है टू फोर सिक्स में से एक नंबर तुम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हो ठीक है और इस प्लेस पर कोई तो नंबर तुमने भरा होगा उन पांच में से तो मतलब कि दो नंबर का इस्तेमाल तुम कर चुके हो टू फोर सिक्स में से एक है ना और बचे हुए पांच में से एक तो सात नंबर में से टोटल दो इस्तेमाल कर चुके हो तो इस प्लेस को भरने के कितने बचे? इस प्लेस को भरने के भी फाइव पॉसिबल तो में आपका थ्री तो ये कितना आ गया सेवनटी फाइव आ गया ठीक है तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि द डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड दो केस बने केस वन और केस टू तो जब भी बच्चों केस बनेंगे तो टोटल पॉसिबल टोटल एक सेकेंड यहां पर हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर कितना आ जाएगा सबको ऐड कर दो टोटल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर थ्री डिजिट नंबर टोटल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर वो क्या हो जाएगा बच्चों 75 प्लस में 30, 75 प्लस में आपका 30, दैट इज 105. इसका आंसर 105, 105 निकल के आएगा कितने सारे बच्चे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं बीच वाले पे मैं एक बार इसको आपके लिए फिर से रिपीट करता हूं बिकॉज आई आई अंडरस्टैंड कि यहां पर फंस जाते हैं बहुत सारे बच्चे चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं देखना मैं आपको ये वाला केस समझा रहा हूं जब जीरो यूनिट प्लेस पर नहीं है तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं वेज हमारे पास अवेलेबल है आइदर टू और फोर और सिक्स ठीक है तो यहां पर अपन ने तीन पॉसिबल वेज है इस प्लेस को फिल करने की है ना पक्का टू फोर सिक्स लेकिन एक तो इस्तेमाल किया होगा कोई भी कोई भी किया होगा वो नहीं मालूम लेकिन कोई एक तो इस्तेमाल किया होगा ठीक है यानी कि सात नंबर थे सात में से कोई एक तुमने यहां इस्तेमाल कर लिया बचे कितने छह छह बचे अब आ जाओ हंड्रेड प्लेस पर हंड्रेड प्लेस पर इन छह बचे नंबरों में से जीरो का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अगर करोगे तो ये थ्री डिजिट नंबर नहीं बनेगा तो कितने का इस्तेमाल कर सकते पांच नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं यू हैव फाइव डिफरेंट चॉइसेस ओके तो अभी तक आपने सिर्फ दो नंबर का इस्तेमाल किया है एक एक नॉन जीरो नंबर और में में से में से सात दो का इस्तेमाल किया अभी भी पांच नंबर ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया तो इस प्लेस को उन पांच में से कोई भी नंबर के थ्रू भरा जा सकता है तो टोटल तो तो पॉसिबल फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री यानी कि सेवेंटी फाइव आ जाएगा अब समझ में आया कि नहीं आया क्लियर हुआ अब ये कॉन्सेप्ट आया समझ में यस yes. तो ये था हमारे पास टोटल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर डन क्लियर है फाइव आ जाएगा ये अपन ने बच्चों फर्स्ट वाले का आंसर किया है अब अपन बात करेंगे सेकेंड वाले रिजल्ट पर द डिजिट कैन बी रिपीटेड जब डिजिट आपकी रिपीट कर सकती है आ जाओ भाई सेकेंड रिजल्ट है ना सेकंड वाले द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड चलो अब क्या है भाई बॉक्स तो हमारे पास सिक्स है डिजिट रिपीट कर सकती हैं लेकिन अभी भी कहानी तो वही है ना कि अगर केस नंबर वन के अकॉर्डिंग अपन बात करें ठीक है जब भी जीरो शामिल हो तो केस बना लेना है ना और इवन और ऑड का चक्कर चल रहा हो तो समझ केस नंबर 1 इफ जीरो इज एट यूनिट प्लेस अगर जीरो आपका यूनिट प्लेस पर है मौजूद हमने फिक्स कर दिया कि मान लो जीरो यूनिट प्लेस पर बैठा हुआ है बैठा दिया इसको। कि भाई तेरे को कुछ नहीं तेरे को यही बैठ तू चिंता मत कर अपन देख लेंगे बाकी ठीक है अब देखो टोटल सात में से जीरो का इस्तेमाल कर चुके हो ओके पक्का अब इस प्लेस को भरने की कितने हैं यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है है ना यहां पर अब कोई भी नंबर आ सकता है सिवाय जीरो के अलावा क्योंकि अगर जीरो ही ले आए तुम यहां पर तो फिर थ्री डिजिट नंबर नहीं बनेगा तो सात में से मतलब कि एक तो समझ गए ना कि रिपीटेशन अलाउ है तुम सात में से कोई भी ले आते लेकिन जीरो ले आओगे तो गड़बड़ मामला हो जाएगा यानी कि कोई भी छह नंबर कोई भी है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कोई भी नंबर तुम यहां पर फिल कर सकते हो बहुत बढ़िया अब इस प्लेस पर नोट करना अब इस प्लेस पर अब यहां कोई कंडीशन नहीं है यहां वापस से जीरो ले आओ जो यहां रखा था वही ले आओ अब यहां पर भरने के फिर से कोई भी साथ में से कोई भी नंबर वापस से रिपीट कर सकते हो तो टोटल पॉसिबल वेज पूरे काम को करने के सिक्स इंटू सेवन यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों सिक्स इंटू सेवन यानी कि फोर्टी टू आ जाएगा हमारा कितना आ गया फोर्टी टू जब जीरो यूनिट प्लेस पर था उसके बाद केस नंबर टू पर बात करते हैं इफ जीरो इज नॉट एट यूनिट प्लेस नॉट एट यूनिट प्लेस बच्चों मैंने आपके को मॉडिफाई किया है, है मतलब क्वेश्चन कि कि नहीं छाप दिया है है ना उसका तो आंसर तुम्हें दे दिया उसके अलावा भी जो मन में क्वेश्चन उठते हैं उसके भी आंसर तुम्हें यहां पर मिल रहे हैं इसलिए तो नाराज मत होना मुझसे ठीक है और प्लीज अपना पूरा प्यार दिया करो मतलब कि लाइक और शेयर करते रहा रहो तुम्हारे तो लाइक से बड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे पर और बेहतर से बेहतर वीडियो तुम्हारे लिए ले लेकर के आ सकूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताना कि क्लास तुम्हें कैसी लगती है चलिए इज एट द यूनिट प्लेस अगर मैं बोल रहा हूं कि इन तीन बॉक्स में से जीरो आपका यूनिट प्लेस पर नहीं है तो इस प्लेस पर क्या क्या आएगा इवन नंबर बना रहे हैं ये तो याद रखना कि इवन नंबर बना रहे हैं तो यहां पर टू आएगा फोर आएगा सिक्स आएगा कोई भी तीन में से कोई भी एक नंबर इस प्लेस को भर सकता है ओके okay? नाउ इस प्लेस पर जीरो नहीं आ सकता जीरो आएगा तो थ्री डिजिट नंबर नहीं बनेगा तो जीरो के अलावा बाकी के छह में से कोई भी नंबर का तुम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो तो कोई भी छह, इस प्लेस पर जीरो भी आ सकता है और कोई भी नंबर आ सकता है दैट इज सेवन तो कितने बन गए? पॉसिबिल्स इंटू सेवन इंटू में थ्री यानी कि ट्वेंटी वन इन में सिक्स तो सिक्स वन जा सिक्स सिक्स टू जा ट्वेल्व, वन ट्वेंटी सिक्स। तो यहां से टोटल आंसर कितना आ गया बच्चों टोटल नोट करना टोटल पॉसिबल वेज टोटल पॉसिबल इवन नंबर कितना आ गया वन फोर्टी टूट प्लस में आपके पास 126 ऐड कर दो 6 प्लस टू एट फोर प्लस टू सिक्स वन आंसर होगा इसका आंसर कितना आ जाएगा 168 आंसर आ जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें जेई एग्जाम तक में देखने को मिलते हैं ठीक है ये जो जीरो वीरो को इंक्लूड करके कहानी होती है ना इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीआर एग्जाम प्लर पे जेई के एग्जाम में मेंस के एग्जाम में आपको देखने को यूजली बहुत मिलते हैं इसलिए ये चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लियर है बच्चों आई बात समझ में कि नहीं आई यहां पर ठीक है जब रिपीटिशन अलाउड हो गया तो भी दो केस बने केस नंबर वन जब जीरो यूनिट प्लेस पर है और दूसरा जब जीरो यूनिट प्लेस पर नहीं है तो जब भी डिफरेंट केस बनेंगे तो हम हर केस में आए हुए नंबर को एड कर देंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमको निकल करके आएंगे क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाई अरेंजिंग एटलीस्ट टू फ्लैग एटलीस्ट टू फ्लैग इन ऑर्डर वन बिलो दर्टिकल स्टाफ इफ फाइव डिफरेंट फ्लैग्स आर एवेलेबल जब फाइव डिफरेंट फ्लैग्स आपके अवेलेबल है ठीक है सपोज करते हैं हम आप कोई फाइव डिफरेंट फ्लैग एवेलेबल है यहां पर कोई कंडीशन नहीं है तो अपन ने कोई फाइव डिफरेंट फ्लैग ले लिया एक फ्लैग एक सेकेंड ऐसे ले सकते हैं ना रुक ठीक है तो अपन ने पेनिंग सेलेक्ट किया हाँ जी तो मान लो एक फ्लैग आपके पास ये हो गया दूसरा फ्लैग मान लो आपके पास ये कलर का हो गया तीसरा फ्लैग मान लो आपके पास ये ग्रीन कलर का हो गया चौथा फ्लैग मान लो आपके पास ये व्हाइट कलर का हो गया ठीक है और पांचवा फ्लैग मान लो आपके पास स्काई इस, ब्लू ले चुके हैं है ना पर्पल पर ले लेते हैं दिख रहा है चलो ये फाइव डिफरेंट फ्लैग हैं आपके पास ठीक है आ जाओ आपको क्या करना है कि इन फ्लैग में से कोई दो फ्लैग का इस्तेमाल करके चारों पांचों डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं ठीक है आपको कोई दो फ्लैग का इस्तेमाल करके सिग्नल है ना आपको कम से कम यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ एटलीस्ट टू ठीक है यहां पर लिखा होटलीस्ट टू लीस्ट टू का क्या मतलब होता है एट लीस्ट टू का मतलब यह होता है कि कम से कम दो मतलब कि कम कम से कम दो फ्लैग का इस्तेमाल करके सिग्नल बना <coughs> बनाना है सिग्नल बनाना है ठीक है तो कम से कम दो का मतलब क्या है कि दो फ्लैग का इस्तेमाल करके भी सिग्नल बनाया जा सकता है या फिर तीन फ्लैग का इस्तेमाल करके भी सिग्नल बनाया जा सकता है या फिर चार फ्लैग का इस्तेमाल करके भी सिग्नल बनाया जा सकता है या फिर पांच के पांच फ्लैग का इस्तेमाल करके भी सिग्नल बनाया जा सकता है अब सोचो यह भी हो गया प्रैक्टिकली सोचो इस क्वेश्चन में कि अगर मैं व्हाइट वाले को ऊपर रखूं पर्पल वाले को उसके नीचे रखूं तो एक सिग्नल बनेगा पर्पल वाले को ऊपर रखूं व्हाइट वाले को नीचे रखूं तो भी डिफरेंट सिग्नल बनेगा बनेगा यानी कि यहां पर कलर का ऑर्डर पहले कौन नीचे कौन पहले कौन नीचे कौन है ना या उसके नीचे कौन ऑर्डर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है यानी कि ये क्वेश्चन जो आपका पर्टिकुलर है ये किसका क्वेश्चन है परम्यूटेशन का क्वेश्चन है क्लियर है ये किसका क्वेश्चन है बेटा परम्यूटेशन का क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर किसकी बात आ रही अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट हो गया यही चीज समझनी है आपको यहां पर पूरे क्वेश्चन में तो बेटा जी यहां पर भी आपके बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट केस केस नंबर वन क्या बनेगा कि अगर मैं कोई दो फ्लैग का इस्तेमाल करता हूं ठीक है यानी कि दो फ्लैग का इस्तेमाल करके मैं एक, स, एक सिग्नल बनाता हूं केस नंबर टू क्या बनेगा कि अगर मैं थ्री डिफरेंट फ्लैग का इस्तेमाल करके सिग्नल बनाता हूँ केस नंबर यहां पर थ्री क्या बनेगा नोट करना केस नंबर थ्री क्या बनेगा अगर मैं कोई चार सिग्नल का इस्तेमाल करके मैं एक सिग्नल बनाता हूँ और केस नंबर फोर क्या बनेगा कि मैं पांचों के पांचों सिग्नल का से वो फ्लैग का इस्तेमाल करके एक सिग्नल बनाता हूँ टोटल फाइव टोटल फोर पॉसिबल केस है ना या तो दो सिग्नल का दो फ्लैग का इस्तेमाल करके सिग्नल बना सकता हूं या तो तीन या तो चार या तो पांच है ना तो इस तरीके से टोटल फोर केस हमारे बन रहे हैं अब देखो हर केस के अकॉर्डिंग अपन काउंटिंग करेंगे अगर मैं एटलीस्ट बोला था ना तो कम से कम में मैक्सिमम रेंज इंक्लूडेड रहती है तो पांच तक भी जा सकता हूं लेकिन दो से नीचे नहीं जा सकता लेकिन एक झंडे का इस्तेमाल करके सिग्नल नहीं बना सकते हैं। कम से कम दो तो लेना ही पड़ेगा ठीक है तो चलिए अगर हमारे पास दो का इस्तेमाल करना है है ना? है ना ऑब्वियस सी बात कि फाइव डिफरेंट कलर के हैं तो हम रिपीटेशन थोड़ी करेंगे कि एक एक ही को दो बार इस्तेमाल कर पाए ऐसा नहीं होगा अलग अलग करके इस्तेमाल करने है। देखो इस प्लेस को फिल करने के कितने पॉसिबल वेज यू हैव फाइव डिफरेंट फ्लैग तो कोई भी पांच में से एक झंडा तुम यहां पर रख सकते हो ओके यू हैव फाइव डिफरेंट चॉइसेस टू फिल दिस प्लेस नाउ इस प्लेस को फिल करने के अब कितनी चॉइस है एक झंडे का इस्तेमाल कर लिया अब टोटल चार बजे चार में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो यू हैव फोर चॉइसेस ओके सिंपल यहां पे सब आगे कि कौन ऊपर कौन नीचे सब कुछ शामिल हो जाएगा अगर नीचे वाला ऊपर होगा तो नीचे वाले कह ऊपर भी शामिल हो जाएंगे सिंपल सी बात तो चॉइसेस की बात करते हैं इस प्लेस को फिल करने के फाइव वे इस प्लेस को फिल करने के इस नीचे वाले झंडे लिए चार तरीके अवेलेबल तो टोटल फाइव इंटू फोर यानी कि ट्वेंटी क्लियर है केस केस पर आओ नंबर के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो टोटल ट्वेंटी डिफरेंट सिग्नल बनेंगे अब केस नंबर टू के अकॉर्डिंग बात करें अगर तीन फ्लैग का इस्तेमाल करके सिग्नल बनाना है पहले प्लेस को कोई भी पांच में से एक झंडा इस्तेमाल कर सकते हो दूसरे प्लेस पर जब एक इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया तो चार ऑप्शन अवेलेबल तुम्हारे पास तीसरे प्लेस के लिए अब तुम्हारे पास तीन कोई भी झंडे इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है तो ये बन गया इन्टु फोर इन्टु में थ्री यानी कि आपके पास सिक्स निकल करके आ गया केस नंबर टू के अकॉर्डिंग अगर मैं तीन फ्लैग का इस्तेमाल करके सिग्नल बनाता हूं तो टोटल तो सिक्सटी पॉसिबल सिग्नल बनेंगे उसके बाद केस नंबर थ्री के अकॉर्डिंग अगर मैं चार फ्लैग का इस्तेमाल करके बनाता हूं इस प्लेस को फिल करने के फाइव प्लेस के लिए हम कोई भी चार में से कोई भी झंडा इस्तेमाल कर सकते हैं अब दो इस्तेमाल कर चुके तो तीन हमारे पास बच रहे हैं ठीक है और इस प्लेस के लिए कोई दो बच रहे होंगे तो क्या बन गया बच्चों यहां पर फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू में टू यानी कि आपके पास वन ट्वेंटी आ गया सिमिलरली केस नंबर फाइव के लिए फाइव फोर थ्री टू और वन तो यहां पर भी आपके पास फाइव फोर थ्री टू वन तो इधर से भी हमको वन ट्वेंटी आ जाएगा टोटल पॉसिबल सिग्नल टोटल पॉसिबल सिग्नल कितने बन सकते हैं बच्चों तो सबको जितनी भी केस में नंबर आए सबको ऐड कर दो तो 20, 60, 120, 120. तो 20 प्लस में 60 प्लस में 120 प्लस में 120 ट्वेंटी दैट इज टू है ना 240, 260, 320. आंसर कितना आ गया 320. क्लियर है 320 हमारा राइट right आंसर होगा इज इट क्लियर और नॉट हो गया बच्चों तो 320 हमारा यहां पर राइट आंसर होगा क्लियर है या नहीं है ठीक है चलिए टोटल पॉसिबल सिग्नल की यहां पर बात हो गई आगे पर बात करते अगला क्वेश्चन ठीक है सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कुछ कुछ को अलग अलग से भी मॉडिफाई कर रखा है अगला क्वेश्चन हाउ मेनी फोर लेटर कोड हाउ मेनी फोर लेटर कोड कैन बी यूजिंग द फर्स्ट लेटर्स ऑफ़ द इंग्लिश अल्फाबेट फर्स्ट टेन लेटर्स का मतलब क्या हुआ ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी हो गया ई हो गया एफ हो गया जी हो गया एच हो गया आई हो गया जे हो गया के हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो हमें जे तक रुक जाना है ठीक है चलो ठीक है ना फाइव फाइव रुक जाइए एक सेकेंड कोल्डोर रखा है थोड़ा सा आ जाओ <coughs> ठीक है आ जाओ क्या बनाना है फोर लेटर का कोड बनाना है नो लेटर कैन बी रिपीटेड इसका आंसर तुम मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ठीक है हमें क्या बनाना है एक कोड बनाना है कितने फोर लेटर का इन अल्फाबेट का इस्तेमाल करके ठीक है तो बताइए टोटल कितने पॉसिबल कोड बनेंगे नो लेटर कैन बी रिपीटेड कोई लेटर रिपीट नहीं करेगा आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कोई लेटर रिपीट नहीं करेगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ हो गया टेन दस अवेलेबल है एक इस्तेमाल कर लिया अब बचे 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 फिर फिर क्या बचे? एट, फिर क्या बचे? सेवन, मतलब कि इस प्लेस पर इन टेन में से कोई भी लेटर एक आ सकता है एक इस्तेमाल कर लिया तो इस प्लेस पर कोई भी नाइन में से एक आ सकता है इस प्लेस पर कोई भी एट में से तो हमारे पास क्या बन गया नाइन इन सॉरी <coughs> टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू में सेवन क्लियर है इसको मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हाउ मेनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट जीरो टू नाइन इफ ईच नंबर स्टार्ट विद सिक्सटी सेवन एंड नो डिजिट अपियर्स मोर देन वंस कोई भी डिजिट मोर देन वंस मतलब कि एक से अधिक बार नहीं आ सकती रिपीट नहीं कर सकती है ठीक है आपको टेलीफोन नंबर बनाना है फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर यूजिंग द डिजिट जीरो चलो जीरो फोर फाइव सिक्स एट और नाइन फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव ओके ऐसे ही बनेगा सबसे पहले सिक्सटी सेवन से स्टार्ट होता बहुत बढ़िया कंडीशन दे दी 67 से स्टार्ट होने का मतलब है कि पहले दो नंबर तो फिक्स है पहले दो नंबर तो फिक्स है फिल करना है तो सिक्स और सेवन को अपन यहां से काउंट हटा देंगे क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है।, है ना एक से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं करना तो अब इस प्लेस पर टोटल दस नंबर है दस में से दो हटा दो कितने बचे? आठ बचे। इस प्लेस को कोई एट डिफरेंट किसी भी नंबर के दूर भर सकते हो ठीक है चलिए दूसरा इस प्लेस को अगर मैं बात करूं इस प्लेस को अगर मैं बात करूं अब आठ थे यहां पर एक इस्तेमाल कर लिया अब यहां पर सेवन पॉसिबल बचे होंगे अब यहां पर इस प्लेस को भरने के सिक्स पॉसिबल तो कितना आंसर आ गया एट इंटू में सेवन इंटू में सिक्स तो मल्टीप्लाई कर लेना ठीक है मल्टीप्लाई कर लेना है ना एट सेवन फिफ्टी सिक्स इंटू में सिक्स ठीक है कितना आ जाएगा जो और आ जाएगा okay? Done है बढ़िया अगला क्वेश्चन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड एक कॉइन है उसको थ्री टाइम आपने टॉस किया है ठीक है एक कॉइन को आपने थ्री टाइम टॉस किया है पहली बार दूसरी बार तीसरी बार ठीक है पहली बार दूसरी बार तीसरी बार तीन बार आपने टॉस किया है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो भी आउटकम आ रहा है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो पहली बार जब तुम कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा तो दो पॉसिबल वे में दूसरी बार जब तुम टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा टू पॉसिबल वेद है तीसरी बार जब तुम टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा तो भी दो पॉसिबल वेद है ठीक है तो पूरा इवेंट को की क्या हो जाएगा टू इंटू में टू इंटू में टू, टू। यानी कि आपके पास कितना है बच्चों एट यानी कि एट पॉसिबल आउटकम आएंगे प्रोबेबिलिटी में इसका इस्तेमाल आपने टेंथ क्लास में भी किया होगा ठीक है तब भले ही समझ में नहीं आया हो कि तब अपन को बना करके दिखा दिया गया था कि एट कौन कौन से पॉसिबल आउटकम बनेंगे है ना यहां पर अब हम है ना अब चार क्वें भी उछाल लेंगे ना तब भी अपन डायरेक्ट नंबर बता पाएंगे कि टोटल सिक्सटीन पॉसिबल आउटकम आएंगे फाइव क्वन भी अगर हम उछाल देंगे पांच बार या या एक सिक्के को पांच बार उछाल देंगे तो हम डायरेक्ट बता पाएंगे कि टोटल थर्टी टू पॉसिबल वेज आएंगे थर्टी टू पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आपके बनते हैं चलिए आगे पर बात करते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है एग्जाम्पल uh, से मैंने लिया है क्वेश्चन आपका हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन नाइनटी नाइन एंड वन थाउजेंड नोट करना नाइनटी नाइन से वन थाउजेंड के बीच में <coughs> ऐसे कितने नंबर सॉरी ठीक है आ जाओ वापिस फोकस 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 आ जाओ नाइनटी नाइन से वन थाउजेंड के बीच में हैविंग सेवन सेवन इन द यूनिट प्लेस ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर सेवन हो 99 नाइन से हंड्रेड के बीच में जितने भी नंबर आएंगे सबके सब थ्री डिजिट के, के नंबर होंगे और अगर बोल रहा है कि उनके यूनिट प्लेस पर क्या हो सेवन हो उनके यूनिट प्लेस पर क्या हो सेवन हो ठीक है अब यहां पर बोल रहा है हाउ वेरी नंबर कहीं पर कोई कंडीशन है कि रिपीटिशन अलाउ है या नहीं अलाउ है कुछ नहीं बोल रहा तो हम यहां पर मान के चलेंगे कि जितने पॉसिबल नंबर की बात कर रहा है है ना मतलब कि सेवन 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 भी एक पॉसिबिलिटी है ओके इट मींस यहां पर अपन अलाउ, अज्यूम करके चलेंगे जब तक कि वो हमें मना नहीं कर रहा नहीं मना कर रहा पर नहीं मानेंगे ठीक है है ना चलिए तो यूनिट प्लेस पर सेवन फिक्स है ओके okay? अब ये जो हमारे पास हंड्रेड प्लेस है इस प्लेस पर जीरो के अलावा नौ में से कोई भी एक नंबर आ सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन में से जो मर्जी तुम नंबर रख तो जीरो मत रखना तो कि थ्री डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा तो इस प्लेस पर आपका नाइन चॉइस अवेलेबल है इस प्लेस पर अब सोचना सेवन ऑलरेडी है ना ये ऑलरेडी भरा हुआ है इधर पर रखा बीच वाले प्लेस पर जीरो से लगा करके नौ तक में कोई भी नंबर डालो रिपीटेशन तो अलाउ है ना सॉरी ठीक है हो हो जाता जाता है जाता है कभी कभी चलो तो कितने पॉसिबल बेस बन गए नाइन अब इस प्लेस पर जीरो से लेकर के नौ तक में कोई भी नंबर यानी टेन पॉसिबल बेज तो कितना बन गया नाइन इन टू में टेन यानी कि आपका नाइनटी डिफरेंट वेज आ जाएंगे कितने आ जाएंगे नाइनटी पॉसिबल नंबर्स बनेंगे हाउ मतलब कितने हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन नाइनटी नाइन एंड वन थाउजेंड है Seven in the unit place, जिनके यूनिट प्लेस पर सेवन हो तो ऐसे नंबर हमारे पास नाइनटी होंगे क्लियर कितने होंगे नाइन्टी होंगे चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन नाइनटी नाइन एंड वन थाउजेंड है डिजिट इज सेवन कम से कम उनकी एक डिजिट सेवन हो इसका मतलब क्या है कि ऐसे कितने नंबर हैं 99 से 1000 के बीच में जिनका एक डिजिट आपका सेवन है एक डिजिट क्या है आपका से कम से कम कम से कम एक डिजिट सेवन है मतलब कि दो डिजिट भी सेवन हो सकते हैं तीनों डिजिट भी सेवन हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी डिजिट सेवन ना हो तो इसको हम डिफरेंट तरीके से निकालना सीखेंगे यानी कि Total Total possible Total possible number in which in which at least one digit is seven, one digit is seven. इक्वल टू ऑल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर ऑल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर माइनस में नंबर ऑफ दोज थ्री डिजिट नंबर इन विच इन विच None ऑफ द डिजिट नन ऑफ द डिजिट इज सेवन कोई भी डिजिट सेवन नहीं है सिंपल मतलब कि एक काम करते हैं डिफरेंट तरीके से निकालें कम से कम एक डिजिट सेवन होनी चाहिए तो एक काम करते हैं. जितने पॉसिबल नंबर होते हैं तीन डिजिट के नाइनटी नाइन से वन थाउजेंड के बीच में उसको काउंट कर लेते हैं उसके बाद उसके बाद उसमें से उन थ्री डिजिट नंबर को माइनस कर दो जिनमें एक भी डिजिट सेवन नहीं है एक भी डिजिट सेवन नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा एटलीस्ट वन वाला बढ़िया तो सबसे पहले क्या करेंगे ऑल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर निकालेंगे तो ऑल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर क्या हो जाएगा ऑल पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर बताओ जल्दी से तीन बॉक्स वन टू थ्री ऑल पॉसिबल इस प्लेस पर जीरो नहीं आए सॉरी इस प्लेस पर जीरो बस नहीं आएगा वन से लेकर के नाइन तक कोई भी नंबर आ सकता है इस प्लेस पर अब जीरो से लेकर के नाइन तक में यानी कि दस में से कोई भी एक नंबर आ सकता है इस प्लेस पर भी जीरो से लेकर के दस तक में कोई भी एक नंबर आ सकता है मतलब कि टोटल आ गया नाइन इंटू में टेन इंटू में टेन यानी कि आपके पास नाइन हंड्रेड ठीक है ये आ गया इसके बाद लिखेंगे ऑल पॉसिबल नंबर ऑल पॉसिबिल थ्री डिजिट नंबर थ्री डिजिट नंबर इन विच इन विच नन ऑफ द डिजिट नन ऑफ डिजिट इज सेवन तो क्या बनेगा फिर से बॉक्स बनाया अब देखना जीरो से लेकर के नाइन तक में सेवन को बस छोड़ दो सेवन का इस्तेमाल नहीं करना अपन को इस प्लेस को फिल करने की कितने जीरो से लेकर के नाइन तक में सेवन को हटा दो कितने बचे नाइन बचे नंबर ठीक है जीरो का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते यहां पर लेकिन आठ बचे नंबरों में से कोई भी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो यहां पर आठ आया इस प्लेस को अब जीरो भी आ सकता है तो नौ पॉसिबिलिटी सेवन हटा रखे हैं इसलिए नौ पॉसिबल चॉइसेस है इस प्लेस को नौ इस प्लेस को भी नौ कितना बन गया एट इन में नाइन इंटू में नाइन तो ये बन गया एट्टी वन इन टू में आपके पास एट तो एट वन जाट एट एट जा सिक्सटी फोर सिक्स फोर्टी एट आ गया कितना आ गया सिक्स फोर्टी एट तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा नाइन हंड्रेड में से सिक्स फोर्टी एट को माइनस कर दो ठीक है नाइन हंड्रेड में से सिक्स फोर्टी एट को माइनस कर दो तो कितना आ गया यहां से आया टू यहां से फोर और यहां से आया फाइव ठीक है नाइन में से सिक्स टू फिफ्टी टू आंसर हो गया क्लियर है आंसर कितना है टू फिफ्टी टू क्लियर इस तरीके से हमारे आंसर होता है तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस भी हमें यहां पर देखने को बनते हैं क्लियर है हो गया चलो डन है आगे चलिए, नेक्स्ट पर आए तो इस तरह के क्वेश्चन बढ़िया से प्रैक्टिस भी करनी है अगला अब बात करेंगे बच्चों एडिशन रूल के बारे में ठीक है अब क्या करेंगे एडिशन रूल अभी तक अपन ने जो भी केस देखा उसमें हमने क्या देखा कि दो इवेंट है एक इवेंट आपका ए है जो एम डिफरेंट वे में अकर कर रहा था एक दूसरा इवेंट आपका बी था एक दूसरा इवेंट आपका बी था जो एन डिफरेंट वे से आपका अकर कर रहा था एन डिफरेंट वे में आपका अकरेंस थी उसकी ठीक है तो ध्यान से समझना कि अब अगर इवेंट ए एंड बी दोनों होते हैं ए एंड बी जब दोनों इवेंट हो रहे हैं तो ए एंड बी के एक साथ होने के पॉसिबल वे एम इन में एन होता है लेकिन अगर कंडीशन है या तो ए हो या फिर बी हो आइर ए और बी कंडीशन ए और बी की है तो उस कंडीशन पे एम प्लस एन मल्टीप्लीकेशन नहीं एडिशन हो जाएगा ठीक है यानी कि या तो ए या तो बी मतलब कि ऐसे समझ सकते हो कि इस कमरे में मान लो बैठे हुए हो तुम ठीक है इस कमरे में तुम बैठे हुए हो अब तुम इस कमरे से बाहर निकलना है तो, तो या तो तुम साइड वन से बाहर निकल सकते हो या तो तुम साइड टू से निकल सकते हो ठीक है साइड वन से अगर निकलोगे तो यू हैव टू वे पी एंड क्यू ओके यू हैव टू वे लाइक पी एंड क्यू आपके पास दो रास्ते एक प, 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 आ, पी एंड क्यून एक दो रास्ते अगर आप साइड टू से निकलते हो तो आपके पास तीन पॉसिबल वे है सी डी एंड ई तो तीन पॉसिबल वे तो कमरे से बाहर निकलना है आपको तो या तो ए से जाओगे या तो B से यानी कि या तो साइड वन से निकलोगे या तो से निकलोगे तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हो गए? आपके पास यानी कि five. तो कमरे से से निकलने के अब आप यहां से कोई एक रास्ता ही चुनने वाले हो ना ऐसा तो नहीं है कि एक साथ एक पैर इस रास्ते से रखेंगे दूसरा पैर दूसरे रास्ते से रखेंगे फिर बाहर निकलेंगे ऐसा तो नहीं करोगे तो मतलब कि ये कंडीशन यहां पर बनती है क्लियर है आई बात समझ में बढ़िया तो कंडीशन है कि इफ अ वर्क नोट करना इफ अ वर्क ए कैन बी डन इन एम वेज एंड एनदर वर्क बी कैन बी डन इन एन वेज एंड सी इज अ वर्क विच कैन बी डन ओनली आइदर सी एक काम है वो जो तभी हो सकता है जब आइदर ए और बी काम ए या बी में से कोई भी एक काम हो सक, हो चुका हो इस कंप्लीट वर्क सी वर्क सी को करने के टोटल पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे एम प्लस एन हो जाएंगे ठीक है एम प्लस एन वर्क सी को करने के टोटल पॉसिबल वेज हो जाएंगे आई बात क्लियरली समझ में कि नहीं आई तो यहां तक की कहानी अपन को क्लियर कट समझ में आ गई है अभी तक अपन ने परमिटेशन भी देखे हैं कॉम्बिनेशन भी देखे हैं है ना क्वेश्चन में इसलिए मैंने बार बार डिस्कस भी आपका करता चला था चलो बहुत बढ़िया क्या बात चीजें हैं तुम्हारे सामने आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट तुम्हारे सामने कि फॉर इंस्टेंस सपोज सपोज अ बेकरी है सिलेक्शन ऑफ ट्वेंटी डिफरेंट कपकेक्स एक बेकरी के पास 20 डिफरेंट कपकेक्स के सिलेक्शन अवेलेबल है 10 डिफरेंट डोनट्स उसके पास अवेलेबल है एंड 15 डिफरेंट मफिंस अवेलेबल है मुंह में तो पानी आ गया होगा आधों के डोनट कपकेक मफिंस पढ़ा लियो क्यों पटांग के काम कर रहे हो मेरे साथ है ना आ जाओ इफ यू आर टू सेलेक्ट अ टेस्टी ट्रीट अब आपको एक टेस्टी ट्रीट आप सिलेक्ट करना चाहते हो आपने बढ़िया 10थ के एग्जाम में आप फोड़ गए थे में आपकी जबरदस्त रैंक आई थी मम्मी ने बोला जाओ मेरी तरफ से एक टेस्टी ट्रीट है तुम्हारे लिए जाओ जो मर्जी तुम एक टेस्टी ट्रीट ले सकते हो तुम दुकान भागते भागते पहुंचे तुमने देखा वाह भाई वाह तो भंडारा लगा हुआ है बीस डिफरेंट कप केक है दस यहां पर डोनट है पंद्रह मफिन लेकिन मजबूरी है कि एक ही लेना है ना लेना तो एक ही है क्या करें तो या तो एक कप केक ले सकते हो या तो एक डोनट ले सकते हो या तो एक मफिल ले सकते हो है ना अगर तुम कप लेते हो तो क्या बनेगा ट्वेंटी लेकिन अगर तुम डोनट लेते हो तो प्लस आपके पास टोटल वेस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि या की कंडीशन है या तो तुम मफिल लेते हो तो प्लस में टेन तो कितना आ गया ये आ गया आपके पास फोर्टी फाइव ठीक है कितना आ गया फोर्टी फाइव यानी कि फोर्टी फाइव टोटल पॉसिबल वेज हो जाएंगे, है ना? आई बस भी कि नहीं आई, क्लियर है चलो, हैंड सेक डिस्कस करेंगे, आ जाएंगे इस प्रॉब्लम को समझने में तुम्हें मजे आ जाएंगे इसके बाद तुम्हें रूल्स भी सिखा दूंगा ठीक है ऑलरेडी परमिटेशन तुम करना सीख गए हो है नाटेशन सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू भले ही अभी ना कर पाओगे फैक्टोरियल नहीं मालूम है अदरवाइज तुम सेवन पॉइंट वन और सेवन पॉइंट थ्री भी तुम कर सकते हो चलो जा। आ जाओ हाउ मैनी हैंड सेक ये क्वेश्चन की हमारा टाइटल है क्वेश्चन को पढ़ते हैं देयर आर ट्वेंटी पीपल इन अ रूम क्वेश्चन को फील करना क्वेश्चन को फील करना देयर आर ट्वेंटी पीपल इन अ रूम इफ दे देक ईच अदर हैंड्स अगर वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं गए भाई हाथ मिलाया दूसरे से मिलाया तीसरे से मिलाया एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं ईच अदर से वंस एंड ओनली वंस केवल एक बार ऐसा नहीं है कि बस कोई अच्छी दिख गई तो एक बार हाथ मिलाया फिर थोड़ी देर में गए फिर से हेलो फिर थोड़ी देर में कुछ होते हैं ऐसे ना फिर से हेलो हाय है ना वैसा नहीं करना है, है ना वंस एंड ओनली वंस केवल एक बार हाउ मेनी हैंड शेक्स आर देयर ऑल टुगेदर तो उस पूरी पार्टी में <coughs> उस पूरे रूप में कितने पॉसिबल हैंडशेक हुए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल हैंडशेक आपका हुए ये प्रॉब्लम है हमारे पास देखो <coughs> एक सिंपल सी बात है सपोज करो एक छोटे से एग्जांपल से अपन समझेंगे मान लो अभी हमारे पास क्वेश्चन में सॉरी चलिए छोटे से समझते हैं मान लो रूम में दो लोग हैं रूम में दो लोग हैं ए है और बी है ठीक है अच्छा बताओ रूम में दो लोग हैं तो कितने हैंडसेक होंगे है ना ए ने बी से हैंड मिलाया या बी ने एक ए से हैंड मिलाया एक ही हैंडसेक हुआ ना कितना हैंडसेक हुआ एक ही हैंडसेक हुआ तो जब रूम में दो लोग होंगे तो नंबर ऑफ कितना हुआ वन हुआ चलिए मान लो रूम में तीन लोग हैं ए भी है बी भी है और सी भी है ठीक है तो ए क्या कोई इंसान खुद से हाथ थोड़ी मिलाएगा अरे भैया अक्षय भैया कैसे बढ़िया खुद से हाथ थोड़ी मिलाएगा है ना इतना भी कतई सिंगल तो कोई मतलब सॉरी दिल को तो मैं छेदूंगा नहीं ठीक है मतलब इतना तो कोई बेचारा अकेला नहीं होगा ना कि भाई खुद से जाकर के हाथ मिलाए हाथ ही ना मिलाने आ रहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना तो मतलब क्या हुआ कि कोई सर खुद से हाथ तो मिलाएगा नहीं तो ए किससे मिलाएगा ए आपका बी से मिलाएगा और ए आपका सी से मिलाएगा ठीक है ए आपका बी से मिलाएगा ए आपका सी से मिलाएगा ओके अब सोचना बी किससे से कर सकता है ए से ऑलरेडी हो चुका है एक बार तो अब वो सिर्फ सी से करेगा अब वो सिर्फ सी से करेगा तो कितना हुआ यहां पर हुआ आपके पास ये तो टोटल कितने पॉसिबल हैंडशेक हो गए कितने पॉसिबल हैंडशेक हो गए आपके पास जब रूम में तीन लोग अवेलेबल थे वन टू एंड थ्री है ना तो जब रूम में तीन लोग अवेलेबल थे तो टोटल थ्री पॉसिबल वन टू एंड थ्री टोटल थ्री हैंड शेक हुए क्लियर है फील करना अभी अभी इसको डायरेक्ट ट्वेंटी पीपल्स पर अप्लाई कर देंगे ठीक है चलो अगर मान लो रूम में चार लोग अवेलेबल होते ए बी सी और डी समझना तो क्या होगा पहले वाले से स्टार्ट करते हैं ए ने बी से मिला लेगा ए सी से मिला लेगा है ना और ए डी से मिला लेगा यानी कि पहले अगर रूम में चार लोग अवेलेबल हैं नोट करना रूम में चार लोग अगर अवेलेबल है तो रूम में चार लोग अगर अवेलेबल है तो एक किन से किन से हैंडसेक कर पा रहा है एक दो तीन लोगों से तो तीन आया ओके? अब देखना, ए ने तो मिला लिया हाथ अब बी किन किन से किन से किनसेडसेक कर पाएगा बी ऑलरेडी एक से हैंडसेक कर चुका है बी ऑलरेडी एक से हैंडसेक कर चुका है तो बी अब आपका या तो सी से हैंडसेक करेगा या तो डी से हैंडसेक करेगा क्लियर है तो यानी कि बी के पास अब पहली बात खुद से कर नहीं सकता था तीन चॉइस थी ए से ऑलरेडी कर चुका है दो बची तो थ्री प्लस टू बन गए थ्री प्लस टू बन गए अब देखना अब डी के पास डी के पास तीन चॉइस थी दो से वो कर चुका है एक तो ए से एक तो बी से अब खुद से तो करेगा नहीं तो अब केवल सी से करेगा एक हैंड से कहो और हो गया तो थ्री प्लस टू प्लस वन तो जब चार लोग अवेलेबल थे जब चार लोग थे तब कितने हैंड से कुए थ्री प्लस टू प्लस वन यानी कि टोटल कितने थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स टोटल सिक्स हैंड से हो गए अब इसी चीज को अगर तुम चाहो तो पांच लोग पर भी अप्लाई कर सकते हो छह पर भी सात पर भी तो प्रैक्टिकली अगर ऑब्जर्व करो तीन लोग थे तो तीन में से ए खुद से तो मिलाएगा नहीं दो लोगों से मिला सकता है तो पहले दो हैंड सेक हो गए अब ए ने हैंड से कर लिया बी की बारी बी खुद से तो मिलाएगा नहीं दो बचे थे एक से ऑलरेडी मिला चुका जो कि ए था अब केवल एक बचा यानी कि सी से मिला लिया सी के पास क्या पॉसिबिलिटी बची अब सी ना तो खुद से नहीं मिलाएगा ए से भी मिला चुका है बी से मिला चुका है तो टू प्लस वन यानी कि आपके पास थ्री तो आप पैटर्न ऑब्जर्व करो जब तीन लोग थे तो टू प्लस वन आया जब चार लोग थे तो थ्री प्लस टू प्लस वन आया जब दो लोग थे तो केवल वन आया तो अगर हमारे पास देर आर नोट करना बच्चों यहां पर देर आर ट्वेंटी पीपल इन अ रूम तो कितने टोटल नंबर ऑफ हैंडसेक बनेंगे तो आंसर आएगा ट्वेंटी से नहीं नाइनटीन प्लस में एटीन प्लस में 17

ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा एग्जाम्स में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लेता है बेटा, समझाया क्लियर कट समझ में आया कि नहीं आया क्लियर कट सॉल्व हुआ एकदम पक्का सॉलिड क्लियर है बढ़िया तो ऐसे इस प्रॉब्लम को हम बच्चों सॉल्व करते हैं यहां पर डन हो गया आगे बढ़ते अब परमिटेशन जो कि ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं तो एक बार अब परमिटेशन को हम आ, इसकी थोड़ी सी फॉर्मूलाज वगैरह उसको देख लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे ठीक है तो परमिटेशन क्या होता है अब परमिटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम कुछ को या सभी को लेकर के बनने वाला आपका टोटल पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास क्या होता हैं। है परमिटेशन बनते ठीक है यानी कि परमिटेशन इज एन अरेंजमेंट हर एक परमिटेशन वो अरेंजमेंट है जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर का कुछ कु, कुछ एलिमेंट को या सभी एलिमेंट को लेकर के बनता है ठीक है कि मतलब कि आपके पास आर ओ एस ई था तो अब आर ओ एस ई ये चार मान लो हमारे पास लेटर्स है तो इनके इस्तेमाल से कितने अलग अलग अरेंजमेंट बनेंगे तो आर ओ एस ई एक अरेंजमेंट है अरेंजमेंट e -E है ओ आर ई एक अरेजमेंट है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से कोई आर ऑब्जेक्ट को लेकर के है ना एन ऑब्जेक्ट अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई वन टू थ्री फोर फाइव इन फाइव नंबर में से आपको इन पांच नंबरों का इस्तेमाल करके कोई टू डिजिट नंबर बनाना है तो मतलब क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि के हम पांचों के पांचों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं हम पांच में से कोई दो नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं और देन क्या कर रहे हैं टू डिजिट नंबर बना रहे हैं आपका तो ये प्रोसेस क्या है कि एन गिवन ऑब्जेक्ट में से कोई आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बनने वाले परम्यूटेशन यानी कि जब अरेंजमेंट की बात की जा रही है तो टोटल नंबर ऑफ को एनपीआर से डिनोट करते हैं और एनपीआर बराबर एक्चुअल में क्या होता है जैसे कि यहां पर one, two, three, four, five है five है फाइव नंबर नंबर तो पांच में से कोई दो का इस्तेमाल करके टू डिजिट नंबर बनाना है तो आप बोलोगे इस प्लेस को भरने के पांच तरीके अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट तो अपने आप इस प्लेस पर आपका चार हो जाएगा एक कम हो जाएगा तीन डिजिट नंबर बोलता तो इस प्लेस पर आप तीन कर देते हैं. चार डिजिट का नंबर बोलता तो इस प्लेस पर आता यहां पर टू पॉसिबल वेज आ जाते हैं। यही बनता है ना तो बेसिकली क्या बनता फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू में टू तो यही पॉसिबिलिटी होती है तो बेसिकली एनपीआर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है एन इंटू में एन माइनस वन इंटू में एन माइनस और कब तक एन में आर प्लस वन तक यही हमारे पास फॉर्मूला जिसको आप बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ऑलरेडी निकाल लेते हैं एफपीसी से जो काम हम कर रहे थे वो एक्चुअल में एनपीआर ही फाइंड को कर रहे थे है ना मतलब कि एन ऑब्जेक्ट में से कोई आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बनने वाले टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे तो एनपीआर ये बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में अपन इस्तेमाल भी किया है ठीक है तो ये होता है एनपीआर का फार्मूला ठीक है नोट कर लो एन पी आर बराबर एन इन टू में एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट कहां तक एन माइनस में आर प्लस वन तक ठीक है अगली थ्योरम है यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट में से रिपीटेशन अलाउ कर दिया जाए ठीक है फॉर एग्जाम्पल अपन ने यह बात बोली थी ना कि मान लो वन टू थ्री फोर एंड फाइव है रिपीटेशन अलाउ है और आपको टू डिजिट नंबर बनाना है तो आप क्या बोलोगे इस प्लेस को भरने के कितने पॉसिबल वेज हैं इन पांच में से कोई भी एक नंबर और रिपीटेशन अलाउ है तो दूसरे प्लेस को भी पांच में से कोई भी एक नंबर से भर सकते हो तो कितना बन गया 5 की पावर 2 तो मतलब ये बोल रहा है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम यहां पर दो लिए थे वहां पर आर ले रहा है एट ए टाइम द टोटल पॉसिबल n टू दी पावर r n टू दी पावर r के बराबर होगा जब रिपीटेशन आपका अलाउ होगा ठीक है जब रिपीटिशन आपका अलाउ होगा क्लियर है चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बहुत ही बढ़िया इस पर आ जाओ इन हाउ मैनी लाइन सच दैट इन अ लाइन सच दैट नंबर वन टू पर्टिकुलर चिल्ड्रेन ऑफ देम आर ऑलवेज टूगेदर दो पर्टिकुलर चिल्ड्र दो ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं एक बच्चा है बी है सी है डी है और ई e है ये पांच बच्चे हैं ठीक है ठीके? हम ये बोल रहे हैं कि ये ए और बी जो बच्चे हैं है ना? ये ए और बी जो बच्चे हैं ये क्या है हमेशा साथ, साथ में रहते हैं ठीक है सपोज करो इसको अपन ने बच्चा एक यूनिट मान लिया वन यूनिट सपोज कर लिया इनको हमने वन यूनिट सपोज कर लिया कि ए और भी हमेशा साथ में रहते हैं ठीक है अब प्रैक्टिकली सोचना कि हमें क्या करना है इन अ लाइन एक लाइन में अरेंज करना है है ना एक लाइन में अरेंज करना है ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे. तो यहां पर मतलब कि ए और भी हमेशा साथ में आएंगे है ना तो मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आप दो एक साथ लेकर के चलोगे और आगे पीछे चलते रहेंगे तो आप इसको समझ लो कुछ <coughs> कुछ देरी के लिए ये वन यूनिट है ठीक है और सी डी और ई e बाकी के तीन अलग हैं ठीक है तो टोटल कितने हो गए एक तरीके से हमारे पास चार लोग हैं मान लो ना कि जो लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते है ना दो जिसमें एक जान वाली कहानी ठीक है तो मान लो क्या होगा वो अरे बचपन में लंगोटिया यार होते थे ना वही है ठीक है तो साथ में रहते ए और बी है ना गलत मत समझना मेरी बात तो ए और भी हो गए हमारे ठीक है तो ये क्या हो गया हमारा ये वन यूनिट मान लिया तो टोटल वन टू थ्री फोर फोर यूनिट को अगर तुम हम बात करें तो मान लो ये एक प्लेस है इस प्लेस पर में से इन चार में से किसी भी एक को यहां रखने के तरीके कितने फोर है? है ना एक को तुमने यहां पर बैठा दिया अब इधर पर इस लाइन में दूसरे नंबर पर किसको रखोगे एक कॉलिटी बैठा चुके हो तो कोई तीन में से कोई भी एक यहाँ पर बैठ जाएगा फिर यहाँ पर कोई भी दो यहाँ पर बैठ जाएगा और यहाँ पर कोई भी एक तो कितना बन गया 4 इन में 3 इन में 2 इन में 1, ठीक है यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई है ना अब एक प्रैक्टिकली बात सोचो मान लो तुमने ए बी को यहाँ बैठाया है है ना लेकिन अब ए बी को साथ में बैठा ले हो लेकिन आपस में तो बी को पहले ए को बाद में भी तो कर सकते हो ना यानी कि ए बी और बी ए बी और बी अरेंजमेंट तो है ना कि भाई अगर ए बी बैठा है मतलब पहले फिर फिर बाद में फिर C, D, e, है ना या बी बैठा, बैठा है ए बैठ में फिर डी सी ए तो मतलब ए और भी आपस में तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना तो दो लोग अपनी आपस में पोजीशन कैसे चेंज करेंगे दो पॉसिबल वे थे ना ए आगे बी पहले बी आगे ए पहले तो आपस में ए और बी के पोजीशन चेंज करना भी जरूरी है वहां पर वो भी तो कर सकते हैं पॉसिबल वेज तो इनटू में टू और हो गया तो कितना बना ये हो गया आपके पास फोर थ्री टू वन यानी कि ट्वेंटी फोर में टू यानी कि टोटल फोर्टी एट डिफरेंट पॉसिबल वेज आएंगे टोटल फोर्टी एट डिफरेंट पॉसिबल या तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि तुमने एक बार को ए बी को वन यूनिट लेकर के और सी डी ई का टोटल किया तो ट्वेंटी फोर आया दूसरी बार में तुमने बी ए को वन यूनिट लेकर के फिर सी डी ई इनका इस्तेमाल करके तुमने बोला कि अब फिर से हम बनाएंगे है ना तो बेसिकली फिर से ट्वेंटी -फो, तो आ जाएगा तो ये हमारा पहले का आंसर आया कि टू पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर जब वो हमेशा साथ में रहते हैं और टू पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर नेवर टुगेदर वो कभी साथ में नहीं रहते दे आर नेवर टुगेदर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सोचो कि ए बी सी डी और ई e, ये पांच बच्चे हैं ठीक है इन पांचों को एक लाइन में खड़ा करना है वन टू थ्री फोर फाइव एक लाइन में खड़ा करना है कोई रूल नहीं है कि कौन साथ में रहेगा तो टोटल पॉसिबल वेस्ट क्या होंगे इस प्लेस पर इन पांच में से कोई भी एक बच्चा आ जाएगा इस प्लेस पर इन पांच में से एक आ चुका है तो चार में से कोई भी एक आ जाएगा इन प्लेस पर तीन में से कोई भी फिर यहां पर दो में से कोई भी फिर यहां पर एक में से कोई भी ठीक है तो फाइव फोर थ्री टू वन ये टोटल पॉसिबल बन गए कि आपके पास इसमें से अगर तुम तो माइनस कर दो 48, जब ए और बी हमेशा साथ में रहते हैं तो क्या बचेगा यानी कि वो पॉसिबल वेज बचेंगे जिसमें कभी साथ में नहीं रहते तो वन ट्वेंटी में से फोर्टी एट माइनस कर दो तो यहां से आया टू ट्वेल्व में से फोर और यहां से फाइव तो सेवन आ गया ठीक है टू आंसर आ जाएगा क्लियर है आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 72 टू क्लियर है यहां पर क्या हो गया साथ में नहीं रहते कभी नहीं रहते ए और भी कभी भी साथ में नहीं रहते तो हमने total possible में से उनको माइनस कर दिया जिसमें वो हमेशा साथ में रहते थे तो सेवनटी टू आ गया क्लियर है चलिए अब बात करेंगे फैक्टोरियल <coughs> नोटेशन के बारे में क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन देखो फैक्टोरियल नोटेशन बच्चों इसको हम एन फैक्टोरियल के साथ आपका डिनोट करते हैं और एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन इंटू में एन माइनस का वन इन टू में एन माइनस का टू इन टू एन माइनस का थ्री और डॉट 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 थ्री इंटू में टू इंटू में वन क्लियर है थ्री टू वन तक यानी कि एन फैक्टोरियल मतलब एन से लेकर के वन तक के नंबर का है ना ट करते हैं जितने भी नंबर है सबका मल्टीप्लीकेशन क्लियर फॉर एग्जाम्पल फाइव फैक्टोरियल मतलब की सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं वन फैक्टोरियल मतलब की वन के बराबर ठीक है टू फैक्टोरियल मतलब की टू इन टू में वन यानी कि टू के, के बराबर

दिमाग में रखने हैं क्लियर है अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं लिख रहा हूं कि एन प्लस वन फैक्टोरियल जो है वो क्या बनेगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल बनेगा एन प्लस वन इन टू में एन फैक्टोरियल के बराबर ठीक है मतलब क्योंकि देख सकते हो ना फोर फैक्टोरियल का मतलब है कि फोर इंटू में थ्री फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल का मतलब है कि इंटू में फोर का फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल का मतलब है कि इंटू में फाइव का फैक्टोरियल ठीक है तो एन प्लस वन फैक्टोरियल एन प्लस वन इन टू में बराबर होगा तो यहां से लिख सकते हाँ जी ओके अब इसी में से बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी तो अगर तुम मान लो यहां पर एन के प्लेस पर जीरो रख करके को देखो तो जीरो तो फैक्टोरियल भी समझ में आ जाएगा कि एन की वैल्यू जीरो रख दोगे तो बन जाएगा जीरो प्लस वन का फैक्टोरियल बटे में जीरो प्लस वन तो कितना बन गया वन अपॉन में वन यानी कि ये भी वन आएगा अब तुम में से बहुत सारे बच्चे डाउट में चले गए होंगे कि सर जीरो फैक्टोरियल वन क्यों आ रहा है हम तो मल्टीप्लाई कर रहे थे एक, एक एक कम का है ना तो जीरो में तो मल्टीप्लाई होगा जीरो माइनस वन का सर तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन क्यों आ रही है ये तो जेन्युन क्वेश्चन है ये तो एक मैंने वैसे समझाने के लिए बता दिया कि भाई इस तरीके से तुम इसको बोल सकते हो लेकिन एक्चुअल में हम कभी भी इस तरीके से रख करके नहीं निकालते हैं तो बेसिकली बच्चों अब तुम्हें मतलब समझाता हूं है ना याद रखने के लिए अभी के लिए तुम नोट कर सकते हो कि जीरो फैक्टोरियल जो होता है वो भी वन के बराबर होता है अब समझना फाइव फैक्टोरियल फा, का मतलब क्या है समझो फॉर एग्जाम्पल यू हैव फोर अल्फाबेट आर ओ एफ ई ठीक है चार लेटर है चार लेटर को इस्तेमाल करके तुम्हें वर्ड बनाना है ठीक है कितने पॉसिबिलिटी बनेगी मतलब वेज की अगर मैं बात करूं तो वर्ड बनाने के टोटल नंबर ऑफ वेज सिंपल कि भाई इसके पास चार एक भर दिया फिर दूसरे के लिए तीन फिर दो यानी कि वन यानी कि एन ऑब्जेक्ट है एन में से एन ऑब्जेक्ट को लेकर के बनने वाले टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट इज एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल लेक्चर में क्या डिनोट करता है कि एन ऑब्जेक्ट को लेकर के एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट से बनने वाला टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ना कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे एक ऑब्जेक्ट है तो एक ही अरेंजमेंट बनेगा अब सोचो ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो कोई अरेंजमेंट का ना भी होना है ना आपने कोई अरेंजमेंट का ना भी होना अपने आप में एक अरेंजमेंट है किसी अरेंजमेंट का ना भी होना है ना एन ऑब्जेक्ट है तो एन ऑब्जेक्ट से लेकर एन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके बनने वाले अरेंजमेंट एन फैक्टोरियल ठीक है दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके बनने वाले अरेंजमेंट टू फैक्टोरियल एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे तो इसको भी हम वन काउंट करते हैं

आगे पर बात करते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू आप फाइंड करो ठीक है समझ रहे हैं यहां पर तो बेसिकली यहां x फाइंड ये क्या बनेगा वन अपॉन में एट फैक्टोरियल है ओके okay. प्लस अपॉन में फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं नाइन इंटू में आपका एट फैक्टोरियल और एक्स अपॉन में टेन फैक्टोरियल को टेन इंटू में नाइन इंटू में एट फैक्टोरियल लिख सकते हैं कोई दिक्कत पूरे में से वन अपॉन एट फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया तो बना वन प्लस में वन अपॉन नाइन और ये बना एक्स टेन इंटू में नाइन और पूरे में से यहां से भी वन अपॉन एट फैक्टोरियल बाहर कर लिया ये पूरा कैंसिल हो जाएगा नॉन जीरो है तो कैंसिल कर सकते हो तो ये बनेगा अपॉन में नाइन बराबर में एक्स अपॉन में तो यहां से किया तो ये 10 आया X की वैल्यू आपके पास हंड्रेड निकल के आ गई एक्स की वैल्यू क्या क्लियर है एक्स की वैल्यू हमको हंड्रेड निकल करके आ गई एक्स की वैल्यू हमको हंड्रेड निकल के आ गई ठीक है डन चलिए इसी तरीके से यहां पर भी सॉल्व कर सकते हो इवेल्युएट एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर फैक्टोरियल तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है एन की वैल्यू सिक्स दे रखी है आर की वैल्यू टू दे रखी है यहां पर रख दो यानी कि ये बन जाएगा आपके पास सिक्स फैक्टोरियल बटे में सिक्स माइनस में टू फैक्टोरियल तो ये बन गया सिक्स फैक्टोरियल बटे में सिक्स माइनस टू यानी कि फोर फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करेंगे तो सिक्स इंटू में फाइव इंटू में फोर फैक्टोरियल बटे में फोर फैक्टोरियल कैंसिल आउट तो कितना बन गया थर्टी आंसर आ गया इसी तरीके से एन की वैल्यू नाइन और फाइव रख करके भी सॉल्व कर सकते हो क्लियर है तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना डन चलिए अब बच्चों बात करेंगे डेरिवेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ एनपीआर एनपीआर के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर्मूला एनपीआर कोल्ड बड़ी खराब चीज है <coughs> जब हो जाती तो बड़ी दिक्कत हो जाती ठीक है ठीके? तो तुम लोग भी थोड़ा सा ध्यान रख रहे मौसम बिगड़ रहा है चीजों का ध्यान रखना जरूरी है आ जाओ एनपीआर की बात करेंगे एनपीआर क्या होता है बेटा बेसिकली एनपीआर का मतलब अपन ने क्या देखा n इन में n माइनस वन इन में n माइनस टू और डॉट 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 n एन में आपका r प्लस वन तक ठीक है यही है एन में आर प्लस तक अगर तुम इसमें मल्टीप्लाई करते हो एन माइनस आर एन माइनस में आर माइनस में वन फिर डॉट 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 थ्री टू वन का ऊपर भी मल्टीप्लाई किया सेम क्वांटिटी का नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं एन माइनस में आर एन माइनस में आर माइनस का वन और एन माइनस में आर माइनस का टू डॉट 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 थ्री टू तो जितना ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे कर लिया कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी बन गई एन फैक्टोरियल नीचे वाली क्वांटिटी बराबर बटी में एन माइनस आर का फैक्टोरियल तो क्लियर है, है तो एनपीआर का जो फॉर्मूला निकल के आया वो कितना आया एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर का फैक्टोरियल तो ऐसे बच्चों हमें एनपीआर का फॉर्मूला भी मिल गया यानी कि एन ऑब्जेक्ट में से कोई आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बनने वाले टोटल नंबर ऑफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हो डिस्टिंक्ट हो तो एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस में आर फैक्टोरियल क्लियर है चलिए तो ये हमने एनपीआर का एक फॉर्मूला भी बना लिया ओके okay? अब इसके लिए

एन ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को लेकर के बनने वाले टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन मतलब कि फैक्टोरियल बटे में माइनस में वन का फैक्टोरियल क्या बनेगा एन इन टू में फैक्टोरियल कैंसिल आउट आ जाएगा एन के यानी कि एन ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बनने वाले परमिटेशन कितने परमिशन बने एक ही ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना तो एन में से कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया तो टोटल एन परमिटेशन बनेंगे ठीक है उसके बाद एनपी जीरो एन ऑब्जेक्ट में से बिना किसी ऑब्जेक्ट को लिए बनने वाले टोटल नंबर ऑफ मतलब कि एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस में जीरो का फैक्टोरियल मतलब कि n फैक्टोरियल बटे में फैक्टोरियल यानी कि वन तो एनपी जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन होती है एनपी वन की वैल्यू कितनी होती है एन होती है एनपीएन की वैल्यू कितनी होती है एन फैक्टोरियल के बराबर होती है क्लियर है इनको भी नोट कर लीजिए डन है बेटा ओके okay. तो ये चीजें अगर तुम दिमाग में रखोगे तो आगे पर तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी डन है चलिए 7.1 7.2 7.2 तक खत्म है पूरा खल्लास कर दिया 7.3 पर अपन आते हैं तो कितना बचा परमिटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट अब हम ऐसे ऑब्जेक्ट से बनने वाले परम्यूटेशन की बात करेंगे जहां पर सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ बी डबल वर्ड में जो लेटर्स हैं, इनका इस्तेमाल करके टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन बताओ टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताओ एक सिंपल से लॉजिक से समझेंगे परम्यूटेशन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट तो अगर आप एक बार को सपोज करते हो कि ये दो ऑब्जेक्ट तो सेम है मान लो ये दो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते एक ओवन होता एक O2 होता ठीक है तो मतलब कि एक अरेंजमेंट बी ओ वन ओ टू के होता तो दूसरा अरेंजमेंट बी ओ टू ओ वन के होता अगर ये दोनों अलग अलग लेटर होते तो हम टू डिफरेंट अरेंजमेंट काउंट करते ओवन ओ टू और ओ टू ओवन को काउंट करते ना ठीक है इसी तरीके से मान लो ओवन ओ टू बी के लिखा है तो ओ टू के ये भी हम दो अलग अलग अरेंजमेंट काउंट करते हैं लेकिन अभी क्या हालत है कि भाई अगर हम इनको डिफरेंट मानते लेकिन डिफरेंट नहीं डिफरेंट uh, वैसे है नहीं लेकिन अगर हम मानेंगे तो अलग अलग है इसी तरीके से आप और भी केस ले सकते हो कि ओवन बी के ओ टू या फिर ओ टू बी के ओवन ये भी डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं अगर ओ वन ओ टू अलग होते लेकिन मामला तो दिक्कत है बोल रहा है कि भाई ये अलग अलग नहीं है तो मतलब कि ये दोनों मिलकर के एक अरेंजमेंट बना रहे हैं बी डबल ओ के ये दोनों भी हमारे एक ही अरेंजमेंट बन रहे हैं ओ ओ बी के और ये भी हमारे एक ही अरेंजमेंट बन रहे हैं जो कि आपका ओ बी के ओ क्लियर यानी कि आप हर ऐसे केस में क्या देख पा रहे हो कि दो अरेंजमेंट एक बन जा रहे हैं क्यों क्योंकि दो लेटर आपके रिपीट कर रहे थे दो लेटर आपके रिपीट कर रहे थे तो यही से तो थ्योरम बनी आपकी कि क्या थ्योरम बनेगी समझना द नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन पी वन ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम काइंड पी वन ऑब्जेक्ट सेम तरीके के हैं, पी टू ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेकेंड काइंड वो दूसरे तरीके के हैं पी के आर ऑब्जेक्ट ऑफ अलग सेम लेकिन वो भी सेम है लेकिन अलग काइंड के हैं तो अगर हम इन सभी को लेकर के टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन पूछे जाए कि एन ऑब्जेक्ट में से पी वन एक टाइप के हैं पी टू एक टाइप के हैं पी के एक टाइप के हैं तो टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन क्या हो जाएगा तो एन फैक्टोरियल बटे में P1 जो सेम टाइप के जो आपके ऑटम थे उनका फैक्टोरियन की अगर जैसे यहां पर क्या था कि ओ रिपीट कर रहा है ओ दो बार रिपीट कर रहा है मतलब कि एक तरीके से क्या बना ये बना हमारे पास अगर इससे बनने वाले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट की मैं बात करूं तो चार है तो फोर फैक्टोरियल तो टोटल तो 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 पॉसिबल अरेंजमेंट बन गए लेकिन ओ दो बार रिपीट कर रहा है तो टू फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे टू फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ओ दो बार आपका कर रहा है तो पूरे अरेंजमेंट में से टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया क्योंकि o1 o2 से बनने वाले अरेंजमेंट अलग-अलग नहीं सेम ही है ठीक है चलिए तो वही यहां पर आपका थ्योरम भी अप्लाई होती है ओके इसी पर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे फिर सेशन को एंड करेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद इलाहाबाद से बनने वाले लेटर से बनने वाले जो वर्ड है बनने वाले परमुटेशन बताइए तो सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर तो ए कितनी बार आया वन टू थ्री फोर ए चार बार आया है एल आपके पास दो बार आया है एच आपके पास एक बार आया है बी आपके पास एक बार आया है डी आपके पास एक बार तो फोर टू सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो हमारा टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन क्या बना नाइन फैक्टोरियल बटे में फोर फैक्टोरियल बटे में टू फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन बनेंगे अलाहाबाद वर्ड के लेटर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन के आएगा तो इस तरीके से ही हमारे पास जब ऑब्जेक्ट सेम काइंड के होते हैं तब टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट ये बनता है तो अब इसके बाद का पार्ट जो है वो अब हम नेक्स्ट सेशन में अपना लेकर के आएंगे तो आज की क्लास में इतना ही आई होप ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई पूरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परमिटेशन उस पर बेस्ड थियोरम नेक्स्ट क्लास में परमिटेशन पर बेस्ड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्लस आपके स्कूल एग्जाम में हेल्प करेगा तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर टू ऑल ऑफ यू